हेलो। स्टैंडिंग माउस कुठे गेलं आहे? एक मिनिट, तू लो लिटन्सी घ्यायचं पाहिजे होतं। तू लाईव्ह केलं का तू? हां, नाही नाही, राहू दे राहू दे राहू दे। हे काढून टाक। हॅलो। बेटा जस्ट 2 मिनट्स, फिर उसके बाद में हम हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आराम से, आराम से ना। हाँ, चलिए तो शुरू करते हमारा सेशन। तो आज आपका पहले दिन तो ऐसे नहीं होते हो आप। आज का सेशन शुरुआत करते, तो हमारा फर्स्ट सेशन है आज जीएसटी का। आर यू रेडी? हाउ इज द जोश? वेरी गुड। तो यहां पे वैसे इनकम टैक्स का आपका सेशन हो गया होगा, बहुत कुछ जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी।
मज़ा भी आया होगा। अब हम जीएसटी ये सारे सेशंस को बहुत एंजॉय करेंगे। और मैं आपको कह दूं कि जीएसटी भी आपका, जैसे सारे सब्जेक्ट हो रहे अच्छे से, वैसे जीएसटी भी आपका बहुत अच्छा वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा। सो चलिए दोस्तों, यहाँ दो मिनट में मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई सेल्फ सीए विशाल भट्ट, आप थोड़ा बहुत जानते होगे, थोड़ा बहुत तो जानते होगे। मैंने अपनी टीचिंग की शुरुआत जो की वो 2003 से की, जब तुम हुए भी नहीं थे आप। तो पहला जो बैच लिया मैंने 2003 में लिया, और 2003 से लेके अभी तक, यानी आप कह सकते हो अराउंड 20 इयर्स, मैंने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है और वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले अभी तो भी यहाँ पे कंसल्टेंसी में ही मेरा प्रैक्टिस होता है, पर पहले मेरा पूरा रेगुलर प्रैक्टिस कंसल्टेंसी और टीचिंग एक ही सब्जेक्ट में था और वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। बेटा जब मैं बोलूँ तो सिर्फ मैं बोलना चाहिए और कोई नहीं, इसका ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है, पहले एक्साइज हुआ करता था, एक्साइज सर्विस टैक्स कस्टम्स वैट, अब सभी को मर्ज करके उन्होंने लाया क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के बारे में ओके, थोड़ा बहुत ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या हो गया। हाँ, जीएसटी ये बहुत अच्छा एक सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है इम्प्लीमेंटेशन में उनसे थोड़ी ओके कमी रह गई, पर अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। दोस्तों 2017 के बाद जीएसटी ही इंटर और फाइनल लेवल पे मैं कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले मैं फाइनल लेवल पे पढ़ाता था, और मोर देन यहाँ पे 300 बैचेस फॉर इंटर एंड फाइनल मैंने रेगुलर बैचेस कंप्लीट किए। अबाउट दैट रिवीजन एंड मैराथन रिवीजन एंड वो चार्ट वाइज रिवीजन, ये तो अलग ही। मैं अपने 20 साल का एक्सपीरियंस आपके आने वाले ये 38 डेज में पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करूँगा, आपको रियली बहुत मज़ा आएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको जीएसटी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए, और आपको ये पूरा कॉन्फिडेंस आए कि यस टैक्सेशन में हम अबो 80 जा सकते हैं, और जीएसटी में आउट ऑफ 40 हमें मिनिमम तो 35 मिलना ही चाहिए, इतना तो मैं कॉन्फिडेंस आपको दे दूँगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ कि बेटा अपने साथ कुछ चीज़ें आपको रखना है, वो है नोटबुक और मेरे रेगुलर बुक्स। बहुत सारी हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि फाउंडेशन के बाद इंटर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर, जिसके ऊपर हम अच्छा खासा यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, जो स्टूडेंट मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपके डाउट्स और क्वेश्चन लूँगा बेटा। मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ आप अपने जो डाउट्स है वो जब मैं कहूँ तब आप पूछिएगा। दूसरा यस, कुछ इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूँगा, और ये सारी इंस्ट्रक्शन दोस्तों यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं या जो मुझे यहाँ पे ओके रिकॉर्डेड मोड में बाद में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन पहले जो है, सबसे पहले तो ये बता दो, हमारे 7 लेक्चर्स यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स रहेंगे। अब ये जो फेस टू फेस स्टूडेंट्स बैठे हैं ये सोच सकते हैं कि आहा घर पे बैठ के देखेंगे सुबह सुबह, ऐसा नहीं, आपको यहाँ आना है। और जो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं या रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ओके उनके पहले 7 लेक्चर्स तो यूट्यूब पे रहेंगे, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर में यानी हमारा जो प्लेयर है आपको कैसे इंस्टॉल करना है, आपको लॉगिन में आपको एक्टिवेशन की कैसे मिलेगी, उसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी। दूसरी बात ओके, यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीमिंग में या रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, तो मैं ये बता दूँ कि नोट्स जो है कल डिस्पैच हुई है। उसका रीज़न ये है कि आपको जो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है जीएसटी में फॉर नवंबर 23 एग्जामिनेशन, वो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है अप टू 30th अप्रैल, आई रिपीट द वर्ड के अप टू 30th अप्रैल। तो मैंने 17th अप्रैल तक की सारी अमेंडमेंट्स को कवर कर लिया है, 13 दिन की जो अमेंडमेंट्स है
अगर कुछ मेजर अमेंडमेंट्स जो आपको अप्लीकेबल होगी अगर आती है तो वो सिचुएशन में मैं आपको अलग शीट दे के कवर कर लूँगा। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अमेंडमेंट्स आएगी ये 13 दिन में, लेकिन जो भी अमेंडमेंट्स होगी वो मैं दूंगा। इसलिए बेटा नोट्स देने में यहाँ थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैंने ये सोचा कि जितनी मैक्सिमम अमेंडमेंट्स हो मैं कवर कर लूँ नोट्स में। इसलिए जो लाइव स्ट्रीमिंग में या रिकॉर्डेड मोड में है वो मुझे प्लीज़ कोऑपरेट करें कि उनको फिजिकल नोट्स कल डिस्पैच होने की वजह से आने वाले 5 से 6 दिन में नोट्स मिलेगी। तब तक आपको क्या करना है, आपको वी स्मार्ट एकेडमी के लॉगिन में जाना है और आपका जो अगर लॉगिन क्रिएटेड है तो वो लॉगिन में कोर्स कंटेंट में आपको पीडीएफ दिया हुआ है पहले दो चैप्टर की पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है, उसकी प्रिंटआउट लेना है, तब तक आपको नोट्स मिल जाएगा। दूसरी बात आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका vsmartacademy.com पे लॉगिन नहीं होगा तो आप अपना लॉगिन क्रिएट कर लीजिएगा। क्रिएट करते वक्त बस 2 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहली स्टेप आपको यह है कि लॉगिन में जाओ और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिससे आपने कोर्स परचेस किया था वो आप डाल दें, प्लस रिसेट पासवर्ड डाल दें। जैसे आप रिसेट करते हो और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालते हो आपका लॉगिन हमारे वेबसाइट पे क्रिएट हो जाएगा। उसमें आपको कोर्स एक्टिवेशन, कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। कोर्स कंटेंट में जाइएगा और कोर्स कंटेंट में जाके आपको गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगी और गूगल ड्राइव लिंक में आप पीडीएफ का नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको कि आपको एक्टिवेशन में कोई दिक्कत जाती है क्योंकि आज का लेक्चर ऐप में नहीं है, कल से लेक्चर ऐप में भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐप में लेक्चर नहीं दिख रहा है या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम जा रहा है कल से, तो वो सिचुएशन में आप जो है यहाँ पे लेक्चर के एंड में 10 मिनट में आप अपना ऑर्डर आईडी, ओके, जस्ट ऑर्डर आईडी और आपको कॉल कब करना है उसका टाइमिंग डाल दीजिएगा लेक्चर के एंड में। इन बिटवीन प्लीज़ मुझे परेशान ना करें, आपकी जो भी डाउट्स और क्वेरीज होगी आखिरी के 10 मिनट मेरी सारी टीम कनेक्टेड रहेगी हमारे वीडियो लेक्चर से जो यूट्यूब पे है। तो आप अपने ऑर्डर आईडी और आपका प्रीफरेबल टाइम डाल दोगे और वो प्रीफरेबल टाइम जो है वो मेरी टीम आपको कॉल बैक कर देगी और आपके सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर देगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, बिकॉज योर कंफर्ट इज़ माय प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहाँ दूसरी बात, जो फेस टू फेस स्टूडेंट बैठे हुए हैं प्लीज़ मुझे ये ना कहे कि ये ए सी बंद कर दो, ये ए सी चालू कर दो, वो ए सी बंद कर दो, ये ए सी चालू कर दो। ओके, जिसको भी ए सी से प्रॉब्लम है ओके वो वहाँ बैठे जहाँ ए सी की हवा नहीं आती है। ठीक है, पर मुझे इन बिटवीन डिस्टर्ब ना करें। इज इट क्लियर? ओके, तो दूसरी बात ओके, मैं मानता हूँ कि आपकी सीट्स ओके फिक्स है, आप वहीं आके बैठते हो और आपके क्लोज फ्रेंड के साथ बैठते हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बैठो, लेकिन क्लोज फ्रेंड के साथ बीच में लेक्चर के बीच में बात नहीं करने का। सर बाकी दो खींच के दूंगा। तो जहाँ तक फालतू मेरे सेशन में टाइम पास नहीं चाहिए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर कोई मुझे डिस्टर्ब करते हुए दिखा ओके तो मैं इतनी इंसल्ट करके रख दूंगा कि पूरे प्रेस्टीज में उसके बाद वो बंदे को उसी नाम से जाना जाएगा जो नाम मैं उसके लिए पुकारूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अगर कोई गड़बड़ करनी है तो अपने आप को पहले 10 बार समझाए कि करूँ या ये गड़बड़ करूँ या ना करूँ। इज इट क्लियर? ओके, दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे आपको अगर रिक्वायर्ड है तो मैं हर 1 घंटे बाद आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा बात करने के लिए, क्योंकि होता है कभी हाँ है ना, मिल गया। तो रिक्वायर्ड है 2 मिनट का टाइम, क्योंकि क्या होता है 1 घंटे से बड़बड़ सुनते जा रहे हैं और कभी कभी क्या होता है कि अब ऐसा लगता है कुछ बात कर ले, तो मैं वैसा आपको 2 मिनट का टाइम दे दूंगा बात करने के लिए। ओके, और देखो आपके सारे टेंशन भूल जाना मेरे सेशन में, क्योंकि आपको दुनिया भर के टेंशन होते हैं ओके जिसमें, और आपके सबके अलग अलग टेंशन होते हैं, आज उसने देखा ही नहीं ओके आज उसने मन नहीं लग रहा क्लास में, एक बार देख ले यार समझ में आ जाएगा सब। ओके, ये देखो बेटा मैं मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ है, जिसको भी देखना है वो देख लेगा, सिर्फ आप मेरे तरफ ध्यान देना। ठीक है, तो मेरे तरफ ध्यान देना, बाकी आपको सब जो भी आपकी इच्छा है सारी पूरी हो जाएगी। तो बस ये जो मेरे 38 सेशंस है, ये 38 सेशन बिल्कुल जीएसटी हमारा ऐसा होना चाहिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप अपने घर पे बिजनेस होगा या आपके पापा मम्मी सीए होंगे तो आप अपने पेरेंट्स को कहोगे, या बिजनेस घर पे होगा तो उनको कहोगे कि जीएसटी में ऐसा करना चाहिए, वो कहेंगे क्लास कहाँ लगाया। तो जहाँ तक देखा जाए
हाँ, और मैं ये जो स्टूडेंट ऑनलाइन कनेक्टेड है, बेटा देखो आपका भविष्य आपके हाथ में है, हम सिर्फ गाइड करते हैं। मैं बहुत ये स्ट्रांगली मानता हूँ कि सबसे बेस्ट टीचर आपका आप ही हो। आप अपने आप को जितना अच्छे से समझा सकते हो और दूसरा कोई नहीं समझा सकता है। हम तो सिर्फ गाइड करते हैं और आपको एक डायरेक्शन देते हैं जिससे आपको सब्जेक्ट ईजी हो। तो जो मुझे ऑनलाइन या रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं वो अपना एक डिसिप्लिन फॉलो करें। सबसे पहले तो जो ऑनलाइन मोड में देख रहे हैं, मैं आपके डाउट्स और क्वेश्चंस को एंटरटेन करूँगा, पर जब मैं कहूँ कि डाउट्स पूछो तभी डाउट्स पूछने का। इन बिटवीन अगर आप डाउट पूछते हो तो वो स्क्रोल हो जाएगा, मेरा ध्यान नहीं रहेगा। अगर आप अपना डाउट मेरे से एंटरटेन करवाना चाहते हो तो जब मैं कहूँ तभी आप पूछिएगा। नेक्स्ट, दूसरी बात, यहाँ पे जो है ऑनलाइन में भी मैं यहाँ पे माइक आपके साथ शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि सेशन इंटरेक्टिव हो, और यहाँ और दो कैमरे लगेंगे जो आपके ऊपर फोकस रहेंगे। जब आप कोई आंसर दे रहे हो ओके, तब आपको भी फोकस किया जाएगा, देखते हैं कौन कैसे आंसर देगा। डरना मत, डरना मत, ठीक है, मैं हूँ आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो है बेटा इंट्रोडक्टरी सेशन है ओके, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ मुझे 3 से 4 सेशन देना आपको लिफ्ट करवाने के लिए, क्योंकि GST ये बिजनेस टैक्स है और बिजनेस का आपका नॉर्मली कोई कनेक्शन नहीं है जब तक आपके घर में कोई बिजनेस नहीं होगा ओके। तो मैं ये आपको ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि थोड़ा ऐसा लगे कि यार समझने में टफ जा रहा है, डोंट वरी, मैं बैठा ओके। मुझे यहाँ पे आपका सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन और फोकस चाहिए, पर मैं आपको एश्योरेंस देने ये यहाँ देता हूँ कि 4 दिन बाद आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आपको मज़ा आएगा GST में, ठीक है। पर पहले लिफ्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ, अगर आपको फर्स्ट सेशन से ही अच्छा लग रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट सेशन से ही सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको पहले ही सेशन से हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन किसी को कोई डिफ़िकल्टी जाती है तो बस ये समझना कि हाँ आ जाएगा, 4 दिन बाद आ जाएगा, और फिर मैं सर को बताऊंगा कि ऐसा करना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, सो डन। यहाँ पे आते बेटा, थोड़ा मैं आपको ये बता देता हूँ, CA इंटर और CMA इंटर, ये जो GST है ये दोनों के लिए, CA इंटर एज वेल एज CMA इंटर। CA इंटर में GST 40 मार्क्स का है और CMA इंटर में भी GST 40 मार्क्स का है। आपको ये बता दूं कि दोनों में एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम सिलेबस है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे CMA कर रहे हैं ओके, सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, लेकिन CMA में कस्टम्स 10 मार्क का एक्स्ट्रा है। ऐसा IDT उनको टोटल 50 मार्क्स का है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 10 मार्क का जो कस्टम्स है वो मैं उनके अलग से रिकॉर्डेड सेशन उनको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बारे में मैं आपको आखिरी सेशन जो GST का रहेगा उसमें मैं बता दूंगा कि आपको ये जो 6 से 7 लेक्चर कस्टम्स के किस तरह से करना है। लेकिन CA इंटर में ओनली GST है, तो हमें 40 मार्क्स के लिए क्या पढ़ना है? GST। और GST सच में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करोगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका इंपॉर्टेंस हमारी इंस्टीट्यूट ने समझा है, इसलिए आने वाले न्यू स्कीम में GST को 50 मार्क का कर दिया है और इनकम टैक्स को भी 50 मार्क का कर दिया है। और फाइनल में तो नो डाउट 100 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट है ओके, अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे अब CA इंटर में टैक्सेशन जो होता है आपका पेपर 4 होता है। टैक्सेशन पेपर 4 ग्रुप 1 में होता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो आप पढ़े हो इनकम टैक्स के नाम से, यस और नो, और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ओके, यहाँ जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? GST। वैसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है ओके, जैसे कस्टम्स है, आज भी कुछ गुड्स पे एक्साइज है, कुछ गुड्स पे VAT है, CST है, मैं आपके आपको बताऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम गुड्स GST में आ चुके हैं, पर कुछ गुड्स पे VAT और CST है। तो ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है जिसमें हमें पढ़ना क्या है बेटा? GST। डन। तो अब आगे हम बात करें तो ओके, डायरेक्ट टैक्स आपको यहाँ पे 60 मार्क्स का होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका कितना? 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। चलिए, इनकम टैक्स आपका अच्छा हो गया है, और दूसरा इनकम टैक्स में आपका मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए? 50। हाँ, आउट ऑफ 60 टारगेट क्या? मिनिमम 50। और ख्याल रहे सर, मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, और टारगेट अगर आप मिनिमम 50 रखोगे तब जाके उस टारगेट को आप अचीव करने की पूरी कोशिश करोगे। तो पूरे 100 मार्क्स में आपको टारगेट जो है, बताओ कितना होगा आपका मिनिमम टारगेट?
80 के नीचे आपको सोचना नहीं है। मुझे जस्ट अभी सुने आया कि किसी ने कुछ कहा 35, हाँ बेटा 35 या 40 ऐसा कुछ टारगेट रखना है नहीं, आपको 35 टारगेट जीएसटी में रखना है, समझ में आया क्या? और यहाँ पे इनकम टैक्स में कितना 50, ऐसे 85 आपको टैक्स में सोचना है, उसके नीचे नहीं। आपको एक बात कह दूँ कि इनकम टैक्स का पेपर पिछले अगर कुछ अटेम्प्ट देखा जाए तो कंपैरेटिवली टफ आता है। ओके हाँ, इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको थोड़ा टफ वे में पूछा जा रहा है, और जीएसटी जो है ओके यहाँ पे इजी आता है, और नो डाउट मेरे लेक्चर के बाद तो वो बहुत ही ईजी लगता है, ठीक है? तो जीएसटी, और जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि 35 मार्क्स मिल जाएंगे, तो जीएसटी एक स्कोरिंग है। टैक्सेशन में अगर आपको अबो 60-70 जाना है तो जीएसटी आपका बहुत अच्छे से होना जरूरी है, क्योंकि जीएसटी ही आपको लिफ्ट करवा सकता है अबो 60-70। इसलिए बेटा आने वाले 38 डेज में ओके आप इतना डिसिप्लिन फॉलो करना, तुम्हारे इनकम टैक्स से कोई भी लेक्चर जो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं, मैं आपको कहूँ कि कोई भी लेक्चर पेंडिंग होगा तो बाद में करना, अभी जीएसटी जो है मेरे साथ कंप्लीट कर लेना। और जो फेस टू फेस यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं, देखो बेटा सीए कोर्स अगर करना है तो सबसे प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए आपका डिसिप्लिन। टैलेंट मैं टर्शरी मानता हूँ, टैलेंट देख लेंगे बाद में, पहले होता है आपका पेशेंस, दूसरा होता है आपका डिसिप्लिन, और तीसरा होता है आपका टैलेंट। मैंने अपने ये जर्नी में, सीए की जर्नी में लगभग मुझे 24 ईयर्स हो चुके हैं जब से मैं सीए में इंटर हुआ 2000 में, ओके तब से मैं बताता हूँ कि मैंने हॉस्टल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में इतने सारे स्टूडेंट देखे कि ठीक है ओके वो 10-12 में एवरेज थे, 60-50% थे उनको, उससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे, पर सीए बने, पहले अटेम्प्ट में सीए बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ अडॉप्ट कर ली थी और वो है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। तो मैं तो ये मानता हूँ कि टैलेंट सबका सेम होता है, सिर्फ तुम्हारा इंटरेस्ट किस में क्रिएट होता है उसके बेस पर तुम आगे बढ़ते हो, और जीएसटी में हमको वो इंटरेस्ट क्रिएट करना है। डन? और चाहे कुछ भी हो जाए, जो स्टूडेंट यहाँ फेस टू फेस देखे आ रहे हैं, बिल्कुल आप डिसिप्लिन में आओ, एक रिदम फॉलो करो। अगर आपको ऑनलाइन देखना है, डाउनलोड करके देखना है, तो वो रिदम फॉलो करो। फेस टू फेस आना है तो ये रिदम फॉलो करो, रिदम को ब्रेक नहीं करना। आपको समझ गया होगा कि रिदम ब्रेक हुआ कि सब गड़बड़ हो जाती है, ये तो आपने एक्सपीरियंस कर लिया। तो एक रिदम, फिर आप अभी डिसाइड कर लो कि आपको किधर आना है। इज इट क्लियर? मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई 700-800 लेके इंस्टा रील बनाने वाला नहीं हूँ कि मेरा भाई 750 एडमिशन्स हो गए या 800 एडमिशन्स हो गए तो मुझे इंस्टा रील बनाने। आप यहाँ 50 बच्चे भी रहेंगे ओके तो भी मुझे, मैं उसी इंटरेस्ट से पढ़ाऊंगा, और 800 बच्चे रहेंगे उसी इंटरेस्ट से मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना डिसीजन खुद लें, आपको क्या रिदम फॉलो करना है। इज इट क्लियर? तो चलिए यहाँ पे जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स का होता है, थोड़ा पेपर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जैसे टैक्सेशन आपका 100 मार्क का पेपर होता है, जिसमें 30 मार्क्स के क्या आते हैं, एमसीक्यू, और इनकम टैक्स के एमसीक्यू जो है वो 18 मार्क्स के होते हैं, और जीएसटी के कितने हैं, 12 मार्क्स के होते हैं। और न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो 42 and 28। ओके हमारे पूरे 38 सेशन में दो टेस्ट होगी, टोटल 14 चैप्टर्स है ओके 7+7 ऐसे दो चैप्टर्स, मतलब दो ब्रेक में होगी, दो टेस्ट ली जाएगी, दो संडे को मिलेगी हमको टोटली कितने, 3 संडे, क्योंकि पहला संडे तो आपका ऐसे ही जाएगा जब तक तो कुछ हुआ ही नहीं, इंट्रो ही चालू है, जो आने वाला पहला संडे तब तक तो इंट्रो ही रहेगा, तो उसके बाद में मिलेंगे हमें 3 संडे, 3 में से 2 संडेज को आपकी टेस्ट ली जाएगी, जिसमें 7+7 ऐसे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके तो ये टेस्ट पूरी हमारी एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से होगी, टोटल 40 मार्क्स का होगा, एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे, और अकॉर्डिंगली आपको एग्जामिनेशन हॉल जैसा पूरा फील दिया जाएगा। इज इट क्लियर? ओके तो चलिए, तो न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 70 मार्क्स के जीएसटी में आते हैं, और 42 मार्क्स का इनकम टैक्स में होता है, सॉरी 70 मार्क्स के टोटल टैक्सेशन पेपर होता है, जिसमें 40 मार्क्स आपका इनकम टैक्स होता है और 28 मार्क्स जो है आपका क्या होता है बेटा, जीएसटी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ जाती है, एमसीक्यू आपको कह दूँ 12 मार्क में से 2 ऐसे एमसीक्यू आते हैं कि वो कहीं से ढूंढ के निकालते हैं, जम गया तो जम गया, ऐसे होते हैं, पर 10 मार्क्स के एमसीक्यू इजी होते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आप आउट ऑफ 12 10 मार्क्स तो बहुत अच्छे से ले सकते हो। अब आपका एक सवाल होगा कि सर एमसीक्यू हमको सेपरेटली ऐसा करना पड़ता है क्या? मैं आपको बता दूँ,
ओके, हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी रहेगी कि आप कोई भी एमसीक्यू ले लेना, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे. ओके, ये मत समझो कि एमसीक्यू इज अ सेपरेट सब्जेक्ट. एमसीक्यू इज बेस्ड ऑन हाउ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, हाउ यू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट, और उसके बाद में आपकी क्या क्लैरिटी है. ओके, उस पर एमसीक्यू होता है, ये कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है. इसलिए जो डिस्कशन हमारा होगा, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लिख कर देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बेस पर आप एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर पाओगे. इज इट क्लियर? ओके, चलिए उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर ये बताइए, जीएसटी में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं क्या? जीएसटी में मोस्टली क्वेश्चन इनकम टैक्स और जीएसटी में क्या डिफरेंस है बता दो. इनकम टैक्स में कॉम्पिटिशन पे अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन जीएसटी में केस स्टडी बेस या फिर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसान होता है. क्या है, टोटल करनी पड़ती है, कोई उसमें एडजस्टमेंट नहीं होती है, इतना डिडक्शन उतना डिडक्शन ये वो इन क्लबिंग, ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है. सिंपल आपको ये कि इस पे टैक्स आएगा नहीं आएगा, क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा, पर ये डिसीजंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि टैक्स आएगा या नहीं आएगा, जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उसके रिमार्क. जो स्टूडेंट को जीएसटी में रिमार्क लिखते आ गया और प्रॉपर नोट्स देते आ गया, मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि उसको 35+ मिलता है. इंपॉर्टेंट है आपका रिमार्क आप कैसे देते हो, और रिमार्क कैसे लिखना वो मैं बताऊँगा, उसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा. इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ आई होप जो लाइव स्ट्रीमिंग में उनको भी अच्छे से समझ गया होगा. अब बात करते हैं यहाँ पे, ओके, आपका पेपर स्ट्रक्चर कैसे होता है. थोड़ा बहुत आपको पेपर स्ट्रक्चर पता है टैक्सेशन का? नहीं पता. ओके, बता देता हूँ दो मिनट में कि आपका पेपर, आज का थोड़ा इंट्रो लेक्चर है, मैं मोस्टली चीज़ें आपकी आने वाले 38 सेशन में जो डाउट्स हो सकते हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा. इंट्रोडक्टरी सेशन है आज का. अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो है एक मैंने पेपर लिया हुआ है, और ये जो पेपर है यहाँ पे आपको बता दूँ कि जनरल इंस्ट्रक्शन जो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है आपको, ओके, दो पार्ट में ये पेपर मिलता है. पार्ट वन अलग एमसीक्यू का अलग होता है, और पार्ट टू जो है वो तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का होता है. ऐसे दो पार्ट में मिलता है आपको. एमसीक्यू में इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के रहते हैं, और दूसरा यहाँ पे पार्ट टू जो 70 मार्क्स का होता है, जिसमें न्यूमेरिकल और सब्जेक्टिव, ऐसे दो पार्ट में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं. जहाँ तक एमसीक्यू की बात है, तो एमसीक्यू तो नो डाउट यहाँ पे मार्किंग सिस्टम होता है, जैसे आपको मार्क करना है और मार्क्स लेना है. ओके, और एमसीक्यू किस तरह से आते हैं इस पर मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा, स्पेशली इन जीएसटी. आपने इनकम टैक्स के एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश किया है? यस और नो? तो वैसे ही जीएसटी में मैं कुछ एमसीक्यूज लेके, कुछ केस स्टडीज लेके आपको गाइडेंस दूंगा कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है. डन? ओके, तो पार्ट टू जो होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होता है, और आपका एग्जामिनेशन टोटल ड्यूरेशन कितना होता है? 3 आवर्स. इसमें आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं. ओके, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं. आपको ये बता दूँ कि इसमें अब जो आपको पेपर मिलता है उसमें दो सेक्शन होते हैं, जैसे 70 मार्क का आपको सब्जेक्टिव मिल रहा है, या 30 मार्क्स का आपको क्या मिल रहा है? एमसीक्यू. तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए होता है फॉर इनकम टैक्स और सेक्शन बी होता है फॉर जीएसटी. सर क्या ऐसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन इनकम टैक्स का, दूसरा जीएसटी का, या पहला सब क्वेश्चन इनकम टैक्स का, दूसरा सब क्वेश्चन जीएसटी का? नहीं. ओके, दोनों सेक्शन टोटली अलग होते हैं. इज इट क्लियर? सेक्शन ए जो होता है वो टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं जो इनकम टैक्स के बारे में कवर करता है, और सेक्शन बी जो होता है आपके पेपर में वो किसका होता है बेटा? जीएसटी का. जीएसटी का क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है. ओके, 5, 6, 7 एंड 8, ऐसे 4 क्वेश्चन जीएसटी के होते हैं. सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जीएसटी पहले सॉल्व कर ले बाद में इनकम टैक्स, या इनकम टैक्स पहले सॉल्व कर ले बाद में जीएसटी? यस, आप ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बेटा जो ऑनलाइन कनेक्टेड है प्लीज़ ऐसा टाइम पास ना करें कि ये सब्जेक्ट कहाँ से लिया, वो सब्जेक्ट कहाँ से लिया. वॉल्यूम बढ़ा दूँ? हेलो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दूँ? जस्ट अ मिनट. हेलो हेलो, हाँ. तो अब जहाँ तक है आप, ओके, जहाँ तक देखा जाए कि मतलब पहले जीएसटी भी सॉल्व कर सकते हो या बाद में इनकम टैक्स. ओके, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो. अब इसमें आपका वो टाइम पे डिसीजन रहेगा कि आपको जीएसटी लेना है या इनकम टैक्स, ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको क्वेश्चंस किसके इजी लग रहे हैं. डन? ओके, चलिए वर्किंग नोट्स. ये
इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्शन में दिया है कि वर्किंग नोट्स शुड बी फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर आंसर्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आदत है कि यहाँ पे वर्किंग नोट तो बना ली, सॉरी क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, पर उसकी प्रॉपर वर्किंग नोट्स नहीं लिखे. आपको मार्क्स नहीं मिलते जब तक आप प्रॉपर उसकी वर्किंग नोट्स नहीं लिखते आप. तो वर्किंग नोट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रिमार्क आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. डन बेटा? ओके चलिए. तो ये हमने देखा पेपर स्ट्रक्चर. उसके बाद में ये जो सेक्शन ए है वो इनकम टैक्स के लिए होता है, और नीचे में क्वेश्चन नंबर 5 में आऊँगा तो क्वेश्चन नंबर 5. हाँ, एक बात आपको मैं बता दूँ, क्या सर हमें जीएसटी में ऑप्शन मिलता है क्या? बिल्कुल आपको ऑप्शन मिलता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होता है. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीनों में से आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं. इज इट क्लियर? तो एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल जाता है. ठीक है, चलो अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन पेपर है. ये क्वेश्चन पेपर में मैं आता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 में. पहला पार्ट हो जाता है इनकम टैक्स का, और दूसरा पार्ट यहाँ पे हम आते हैं जीएसटी में. जीएसटी में सेक्शन बी 5. क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है कंपलसरी क्वेश्चन, जो 8 मार्क्स के लिए होता है. ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से टैकल कर लिया ना, तो बॉस जीएसटी में आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करते ही समझ लेना कि अबाउट 30 चले गए. थोड़ा पहला क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो ठीक है, पर इसका मतलब ये समझ के मत चलो कि भाई पहला क्वेश्चन नहीं आया तो अब मैं फेल ही हो जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है. ओके, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ तो 32 मार्क्स और बचे, 32 में से 30 क्यों नहीं, ये समझ में आया? लेकिन डरो मत, अगर आप डिसिप्लिन में मेरा क्लास करते हो तो पहला क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. मेरा प्रॉमिस है आपको, आप बहुत अच्छे सॉल्व कर पाओगे. सर पहला क्वेश्चन 8 मार्क्स क्या डिफिकल्ट होता है? डिफिकल्ट नहीं होता है, मल्टी टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है. सर ये मल्टी टॉपिक क्या होता है? जैसे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 7, 11, 14 ऐसे सारी एडजस्टमेंट किस में लेके आ जाते हो? क्वेश्चन नंबर 1 में लेके आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि ओवरऑल सब्जेक्ट जो है आपने कैसा पढ़ा हुआ है, और इसमें थोड़ा आपको टेस्ट करते हैं कि आपका नॉलेज कितना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप इजीली और अच्छे से हैंडल कर सकते हो डेफिनेटली. बस मैं जो कहता हूँ वो करो, डेली बेसिस पे करो. तो जो भी होमवर्क देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा, पर जितना भी दिया वो डेली बेसिस पे करो, तो आई प्रॉमिस यू कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओ. इज इट क्लियर? जो 8 मार्क का होता है. उसके बाद में यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 6 में सब पार्ट्स होते हैं, जैसे ए 6 मार्क्स का रहेगा, बी जो है बी 4 मार्क्स का रहेगा. ओके, उसके बाद में 5, 5, 4 ऐसे मार्क्स रहे, कि ऐसे छोटे फिर 5, 5, 4 ऐसे मार्क के क्वेश्चंस आते हैं. इज इट क्लियर? ओके, तो ये था हमारा रिगार्डिंग टू पेपर स्ट्रक्चर. नाउ आपको जो यहाँ पे टेस्ट ली जाएगी वो बिल्कुल हमारा जो इंस्टीट्यूट का एग्जाम पैटर्न है उसी पैटर्न के हिसाब से आपकी टेस्ट लिया जाएगा. इज इट क्लियर? चलिए नाउ, मैं आज पहले दिन आपको कह रहा हूँ इसलिए बी रेडी फॉर टेस्ट. मैं आपको शेड्यूल क्लियर कह रहा हूँ, संडेज को होगी, थर्ड संडे एंड फोर्थ संडे. आई रिपीट द वर्ड, क्या? थर्ड संडे एंड ये आने वाला फर्स्ट संडे तो नहीं, सेकंड भी नहीं, क्योंकि तब तक हमारा उतना सिलेबस नहीं होगा, पर थर्ड एंड फोर्थ संडे हमारी टेस्ट होगी. पहले से प्रिपेयर रहना. इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए नाउ अब आते हैं हमारे यहाँ पे सिलेबस पे. ओके, चलो नोटबुक निकालो सभी. ऐसा ऊपर फर्स्ट क्लास टाइटल दो, जीएसटी, किसी को श्री लिखना है, जय गणेश जी लिखना है, क्या लिखना है तो करो यहाँ पे फटाफट. चलिए चलिए, डू इट फास्ट. सभी नोट्स निकालें. सवाल है कि सर नोटबुक कितने पेजेस की बनानी है, तो बना लो 300, 400, 500 जो भी है. तो पहले तो 200 पेजेस लो बेटा. एमसीक्यू में वर्किंग नोट्स नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आपको टिक करना पड़ता है राइट आंसर पे. एमसीक्यू में आपको वर्किंग नोट देने की कोई ज़रूरत नहीं है. नहीं, आज का क्लास लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं है, कल से लाइव स्ट्रीमिंग में चालू होगा हमारे ऐप पे. लाइव स्टूडेंट के लिए जो लाइव और रिकॉर्डेड स्टूडेंट हैं उनको टेस्ट पेपर शेयर कर दिया जाएगा और उसका आंसर शीट डिस्कस किया जाएगा. चलो सर, एक सवाल बड़ा अच्छा आया, मैं एंटरटेन करना चाहूँगा. सर आप टोटल 38 सेशन ले रहे हो, जीएसटी 40 मार्क्स का है, तो क्या हम ऐसा समझे एक सेशन 1 मार्क का?
बिल्कुल समझ सकते हो, यानी जिस दिन तुम्हारा सेशन ड्रॉप हुआ समझना आपका एक मार्क गया। चलिए तो यहाँ पे चलिए लिखिए, टाइटल देना गुड्स एंड, टाइटल देना गुड्स एंड सर्विसेज, आई रिपीट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब स्टूडेंट की गलती क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखते हैं, सर्विस नहीं, सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये पहला मिस्टेक आपने सुधारना है, उसके बाद में नीचे लिखो, नीचे लिखो, अंडर जीएसटी देर आर टोटल फाइव एक्ट, अंडर जीएसटी देर आर टोटल फाइव एक्ट, फास्ट स्पीड में मैं रिपीट नहीं करूंगा, और मेरे वर्ड्स कैच मत करना, स्टेटमेंट कैच करना, ओके ऐसा कैच मत करना, अंडर हाँ जीएसटी हाँ हाँ अंडर जीएसटी देर आर टोटल फाइव एक्ट, से पूरा स्टेटमेंट कैच करना, देर आर टोटल फाइव एक्ट। पहला लिखो सी जी एस टी, फर्स्ट लिखो सी जी एस टी डैश करके, क्या आएगा सी जी एस टी मतलब, लिखो पूरा स्टेटमेंट लिखो, सेंट्रल, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, एक्ट 2017, ये तो याद रह जाएगा आपको 2017, ठीक है, बड़ा खतरा था इसमें, ओके तो यहाँ 17 की एज बड़ी खतरा एज होती है, तो ऐसे सिचुएशन में 2017, उसके बाद में सेकंड लिखो एसजीएसटी, एसजीएसटी क्या पूरा लिखना, नहीं तो कुछ स्टूडेंट नालायक यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेट लिखेंगे और आगे डू, ऐसा नहीं, पूरा लिखो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तीसरा लिखो यूटीजीएसटी, तीसरा लिखो यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। यस बेटा सीएमए ओल्ड सिलेबस के लिए भी ये लेक्चर्स है, न्यू स्कीम एज वेल एज ओल्ड स्कीम दोनों भी इंटर लेवल पे ये स्कीम, ये लेक्चर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखो आईजीएसटी, अच्छा आईजीएसटी के बारे में आपको क्या पता है, इंटरस्टेट नहीं, इंटरस्टेट नहीं, इंटीग्रेटेड, अभी अभी क्लियर कर लेना, आईजीएसटी मतलब इंटर नहीं, इंटीग्रेटेड लिखो, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। और पांच नंबर लिखो, पांच नंबर लिखो जीएसटी सेस, सीई डबल एस जीएसटी सेस। पहली बात तो कर दूं कि ये जो जीएसटी सेस मैं कह रहा हूं इट्स नॉट अ एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस कहीं पढ़ा है आप, कहां पढ़ा, कहां पढ़ा, इनकम टैक्स में पढ़ा, ये एजुकेशन सेस नहीं है, ये जीएसटी सेस अलग है, दोनों के कॉन्सेप्ट अलग है, बताओगे, बताऊंगा आपको कि क्या कॉन्सेप्ट है दोनों के। जीएसटी सेस डैश कर लिखो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ब्रैकेट में, हाँ ये सभी ध्यान दें, ब्रैकेट में कंपेंसेशन टू स्टेट, कंपेंसेशन टू स्टेट ब्रैकेट कंप्लीट सेस एक्ट, ब्रैकेट कंप्लीट सेस एक्ट 2017, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं जीएसटी सेस, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि टोटल जीएसटी में पांच एक्ट है जो अभी हमने लिखे, ठीक है, ये पांच एक्ट में से हमको इंटर लेवल पे एक ही एक्ट पढ़ना है, और वो कौन सा एक्ट पढ़ना है बेटा, सीजीएसटी एक्ट,
ओके, सीएमए एज वेल एज सीए इंटर, सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है। और ये जो सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है जिसमें आपको टोटल सेक्शन जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 175 सेक्शंस जाते हैं, जिसमें से आपको इंटर लेवल पे 50 सेक्शन ही पढ़ना है। कितने? 50। ओके, तो यहाँ पे सेक्शन टोटल 50 सेक्शंस आपको पढ़ना है। अब आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि न्यू स्कीम अभी आपको अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन न्यू स्कीम जब आएगी तो जीएसटी कितने मार्क्स का होने वाला है? 50 मार्क्स का। तो उसमें आईजीएसटी भी अप्लीकेबल है, मतलब सीजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी, दो एक्ट पढ़ने हैं। ओके, मेरी बेस्ट विशेष है कि आप नवंबर में क्लियर हो जाओगे, और हो जाओगे ही, पर अनफॉर्चुनेटली अगर आप कोई रीजन के वजह से रह गए और न्यू स्कीम में आ गए, कंपलसरी न्यू स्कीम में आ गए, तो आपको जीएसटी में बस एक एक्ट जिसके दो लेक्चर्स रह गए वो कौन सा? आईजीएसटी। ओके, दो से तीन लेक्चर, उतना ही आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, पर ये आगे की बात है, जस्ट बात निकली इसलिए दूर तलक चलेगी। इज इट क्लियर? ओके, तो अब ऐसे केस में ध्यान से सुनिएगा। ओके, सी जी एस टी एक्ट टोटल 50 सेक्शन हमें पढ़ने हैं, जो आपका 40 मार्क्स का है, और हमें अराउंड कितने 38 सेक्शन लगेंगे। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि 3 आवर्स या 3 आवर्स 15 मिनट्स उस पहले एक सेशन हमारा रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड दैट आप 10 मिनट में ब्रेक में सारे लोग आ जाओगे। इज इट क्लियर? 10 मिनट से ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा, उसकी पहले से ही अरेंजमेंट करके रख देना। देन ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो सर SGST, UTGST, IGST और GST कंपेंसेशन सेस एक्ट, ये हमें सिलेबस में क्यों नहीं है? पहले मैं इनके मीनिंग बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि हमें सिलेबस में क्यों नहीं रखे गए। ओके, SGST एक्ट और CGST एक्ट दोनों एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है। आगे हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, पर जस्ट दो मिनट में आपको बता दूँ कि क्या हुआ था कि 2017 के पहले यहाँ पे सिचुएशन कुछ इंडिया में ऐसी थी कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग सेल्स टैक्स लॉ थे, वैट लॉस थे, अलग अलग प्रोविजंस थी, अलग अलग कंप्लायंसेस थे। ओके, जिसके वजह से बिजनेसमैन को, इंडस्ट्री को बहुत दिक्कत हो रही थी कि समझ लो एक एप्पल को अपना एक स्टोर डालना है, और वो स्टोर जो है मुंबई में डाल रहा है, महाराष्ट्र में, दूसरा स्टोर डाल रहा है दिल्ली में। मुंबई के कंप्लायंसेस वैट के अलग थे, सेल्स टैक्स के अलग थे, और दिल्ली के सेल्स टैक्स के कंप्लायंसेस अलग थे। इसके वजह से क्या हो रहा है कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आ रही है और सोच रही है कि चलो इंडिया में बिजनेस करते हैं, तो इंडिया में बिजनेस करने में उनको सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जितने स्टेट में वो अपने स्टोर्स डालेंगे, फैक्ट्री डालेंगे, बिजनेस करेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उतने स्टेट के कंप्लायंसेस उसको करने पड़ेंगे। टोटल यहाँ पे 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज, मतलब 35 7 यूटी है। यूटी कोई एक आधा एग्जाम्पल यूटी का? अंडमान निकोबार, गोवा नहीं, नालायक, दीव दमन, चंडीगढ़ ले लो, सर ये यूटी क्या होती है वो भी बताता हूँ, ओके, यहाँ स्टेप बाय स्टेप जाएगी, यूटी क्या होती है, क्यों बनाई गई, और हम ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं जाएंगे, पर जितना रेफरेंस है उतना हम कवर करेंगे। इज इट क्लियर? तो जहाँ तक देखा जाए हर स्टेट के अलग अलग लॉस थे, और बिजनेसमैन की कंटिन्यूस ये डिमांड थी कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो, सारी तो इंडियन गवर्नमेंट है, पर प्रॉब्लम क्या था, इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर था, गवर्न बाय टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट। स्टेट अपने लॉज बना रही है टैक्स के, सेंट्रल अपने लॉज बना रहे हैं। तो फिर ये कोशिश की गई, अब पहले नो डाउट यूपीए गवर्नमेंट ने भी कोशिश की, और उसके बाद में यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने भी पूरी कोशिश की, कोशिश की कि चलो सारे एक्ट को जो गुड्स से रिलेटेड है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो सर्विस से रिलेटेड है, क्यों ना एक बकेट में लाया जाए और एक ही टैक्स लगाया जाए जिसका नाम हो क्या? जीएसटी। जैसे एक सिमिलर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं, जितने भी कि इमेजिन करो कि प्रेस्टीज में आप आते हो, यहाँ प्रेस्टीज में, और पुणे की एक अच्छी बात है कि सारी एकेडमीज एक ही कॉम्प्लेक्स में हैं। तो जब आप प्रेस्टीज में आते हो तो आप एक क्लास ये एकेडमी लगा रहे हो, दूसरा सब्जेक्ट ये एकेडमी लगा, तीसरा सब्जेक्ट ये एकेडमी लगा, चौथा सब्जेक्ट ये एकेडमी लगा रहे हो। अब इमेजिन करो कि आपको कितनी दिक्कत जाती है। ओके, दिक्कत कैसे? ये एकेडमी का फॉर्म अलग, वो एकेडमी का फॉर्म अलग, वो ये एकेडमी की रिसिप्ट अलग, वो एकेडमी की रिसिप्ट अलग। ओके, फिर दोनों की प्रोसीजर अलग, उसके बाद में क्या, दोनों के सॉफ्टवेयर, इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर अलग। आपके लैपटॉप तो पूरा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर से भरा होगा, समझ में आया? सबकी चीजें अलग अलग। काश अगर ऐसा हो जाए कि ये सारी एकेडमीज हो अलग अलग, लेकिन एक यूनिफॉर्म कोड बनाए कि सबका फॉर्म एक जैसा, यानी आप कहीं पे भी एडमिशन लो, एक ही फॉर्म, एक ही रिसिप्ट, अरे हाँ है ना, एक ही रिसिप्ट, एक ही इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर सबके लेक्चर्स,
आपको दूसरे अलग अलग इंस्टॉल करने की जरूरत ना हो, कितना इजी हो जाएगा जिंदगी। और वो क्या होता है, आपको 10 रिसिप्ट संभाल के रखनी पड़ती है, यहाँ आते हो यहाँ दिखाते हो, देखो देखो फिर दूसरा, अरे कहाँ गई कहाँ गई, दूसरे कहाँ है, दूसरी निकालो, तीसरे क्लास में तीसरी निकालो। ओके, ये सारी परेशानी आपको होती है। पर काश अगर ऐसा होगा कि एक ही डिजिटल कार्ड मिल जाए और वही कार्ड ये क्लास को चल रहा है, ये क्लास को, वो क्लास को चल रहा है, मज़ा आ जाए, एक यूनिफाइड प्रोसीजर हो जाए, मज़ा आएगा ना आपको। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ तक देखा जाए तो गवर्नमेंट लेवल पे भी सोचा गया कि क्या यार हर स्टेट के अलग अलग एक्ट बना के रखे, सब स्टेट के अलग कंप्लायंस, अलग रिटर्न, अलग फॉर्मेलिटीज, सब कुछ अलग अलग है, एक कॉमन यूनिफॉर्म कोड पे लाओ ना यार, कॉमन प्रोसीजर में लाओ ना, इससे फॉरेन इंडस्ट्री भी अट्रैक्ट होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी, इंडियन इंडस्ट्री को भी हेल्प होगा। और ये सोचा जा रहा था 2001 से, वो बात अलग है कि 17 साल लग गए सोचते सोचते, और आया 2017। इज इट क्लियर? ओके, पर जो भी है, तो क्या हुआ कि जैसे एक सिमिलर एग्जाम्पल लूँ तो हमारे एकेडमीज के हॉल अलग अलग रहेंगे, सब फैकल्टीज अलग अलग रहेगी, लेकिन कोड सेम रहेगा। तो वैसे ही क्या हुआ कि CGST और SGST, हर स्टेट अपना GST एक्ट पास करेगा, पर CGST और SGST के सेक्शन एग्जैक्टली सेम रहेंगे, वर्ड टू वर्ड सेम रहेंगे। यानी मैं आपको बताऊं कि आपने CGST पढ़ा और महाराष्ट्र GST पढ़ा, तो दोनों के वर्ड टू वर्ड और सेक्शन टू सेक्शन सेम है। आपने CGST पढ़ा और राजस्थान GST पढ़ा, आपने CGST पढ़ा और छत्तीसगढ़ से GST पढ़ा, तो दोनों के वर्ड टू वर्ड सेम है। बस इतना ही कि एक सेंट्रल और एक स्टेट, इतना यूनिफाइड कर दिया उन्होंने कि साथ में चलेंगे। इज इट क्लियर? और ये यूनिफाइड करने के लिए, अच्छा मुझे बताओ, आप ही बताओ, अगर सारे एकेडमीज को यूनिफाइड कोड बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सारे एकेडमीज के ओनर की एक कमिटी बनानी पड़ेगी। अरे है ना, वैसे ही सारे स्टेट और सेंट्रल की एक कमिटी बनाई जिसका नाम था GST काउंसिल। आई रिपीट द वर्ड, क्या? GST काउंसिल, जिसको हम परिषद कहते हैं, GST परिषद। ये समझ में आया क्या? तो यहां पे तो एक काउंसिल बनाया गया, और ये काउंसिल में सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर बैठे, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पूरे इंडिया लेवल पे एक यूनिफाइड लॉ लाए, और जिसका नाम क्या होगा? GST। एक्ट अलग अलग हो गए पर एक जैसे हो गए। जो अभी तो ऐसा है कि एक बार ये काउंसिल ने, यानी यस, पूरे 38 डेज ये पूरा क्लास हमारा काउंसिल होगा, कुछ वर्चुअल स्टूडेंट भी रहेंगे। इज इट क्लियर? ये काउंसिल होगा, और आप जो है स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर रहोगे, और मैं सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर रहूंगा। समझ में आया क्या? सब अपने आप को अपने स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर इमेजिन करना। इज इट क्लियर? और पॉलिसी हम बनाएंगे GST की। क्लियर? डन? तो ये कमेटी बैठी, कमेटी में सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी तो चलो सेंट्रल के हाथ में रहता है, ओके, और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर बैठे, और उसमें वोटिंग पावर डिसाइड हुई, और ये डिसाइड किया गया कि हम जो भी GST में चेंज करेंगे वो कॉमन डिसीजन से चेंज होगा, और अगर वो चेंज होता है तो पूरे इंडिया के सारे स्टेट UT और सेंट्रल एक ही साथ, एक ही दिन, एक ही नोटिफिकेशन में चेंज करेगा। ये समझ में आया क्या? तो इतना यूनिफाइड कोड पे लाया गया GST को। इज इट क्लियर? जैसे यहां होता है प्रेस्टीज में बहुत सी कॉमन पॉलिसी होती है कि हम बैच की डेट एक ही दिन, एक ही टाइम, सब्जेक्ट भी एक ही टाइम, कुछ हमारे भी यूनिफाइड कोर्स है। ये सब समझ में आया? तो वैसे ही यहां पे इवन ये भी यूनिफाइड कोड होता है कि जिस दिन डिसाइड हुआ सेम डे पैम्पलेट्स निकलते सारे एकेडमीज के, अवार्ड शेड्यूल एंड एक्सेट्रा। तो GST में ऐसा सोचा गया और लाया 2017। इसलिए आ जाता हूं, अगर हम CGST एक्ट पढ़ रहे हैं तो SGST एक्ट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड सेम है। सर अगर SGST एक्ट नहीं है तो फिर हमें जब हम कैलकुलेशन करेंगे GST निकालेंगे तो हम सिर्फ CGST निकालेंगे कि नहीं? कैलकुलेशन करते वक्त आपको दोनों टैक्स निकालने हैं। कौन से दोनों टैक्स निकालने हैं? CGST एंड SGST एज वेल एज IGST। कैलकुलेशन करते वक्त आपको, क्योंकि IGST भी एग्जैक्टली सेम है लाइक CGST, बस कुछ प्रोविजंस इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से थोड़ी अलग है, इंटरस्टेट के हिसाब से थोड़ी अलग, बाकी मैक्सिमम प्रोविजन सेम है।
ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक देखा जाए तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब ये यूटीजीएसटी क्या होता है? यूनियन टेरिटरी। अब इसको समझने के लिए मैं आपके ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, इंट्रा एंड इंटर। कोई बता सकता है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्राई करो। वैसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहां से नागपुर में गुड्स बेचा, इंट्रा, क्योंकि ये इनसाइड द स्टेट है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंट्रा। और मैंने यहां से सूरत बेचा, सूरत मतलब गुजरात, अदर स्टेट में बेचा, तो उसको क्या कहा जाता है? इंटर स्टेट। जब आपका सेल और सर्विस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी तो उसको कहा जाता है इंटर स्टेट। इज इट क्लियर सबको? यस, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है सबको क्लियर, उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक? ओके, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका गुड्स और सर्विसेज जाता है तो उसको कहते हैं इंटर, और जब वो इनसाइड द स्टेट जाता है तो उसको कहते हैं इंट्रा। इनसाइड द स्टेट मतलब यही प्रेस्टीज में, तुम स्टेशनरी शॉप पे गए, कहा एक रजिस्टर देना, इंट्रा। तुमने पेन लिया, इंट्रा। फिर वो यहां हो या सेम स्टेट में हो, अदर सिटी में हो, समझ में आया? इंट्रा स्टेट। तो क्या हुआ, थोड़ा मैं आपको ये पॉइंट्स, आगे तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे पर ये पॉइंट जस्ट रेफरेंस के लिए बता देता हूं। ये जीएसटी काउंसिल जो है, ये जीएसटी काउंसिल हर गुड्स और सर्विसेज के रेट फिक्स करेगी, और जो रेट ये काउंसिल में फिक्स हुआ पूरे इंडिया में सेम रेट रहेगा। ये समझ में आया क्या? ये सेम रेट रहेगा वो गुड्स एंड सर्विसेज का। तो समझ लो आपका जीएसटी का रेट फिक्स हुआ 12%। वैसे तो मेजर फोर रेट उन्होंने फिक्स किए हैं कैटेगरीज करके, कौन कौन से किसी को बताया? एक 5%, दूसरा 12%, 18% एंड 28%। ये चार फोर मेजर रेट उन्होंने फिक्स किए। हर चीज आगे डेप्थ में पड़ेगे, जस्ट अभी बात रेफरेंस में आई है और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये मेजर रेट उन्होंने फिक्स किए, मतलब 5% लिस्ट ऑफ गुड्स, 12% लिस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, 18% लिस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इज इट क्लियर? तो डिसाइड ये हुआ था कि जो ये टोटल रेट फिक्स होगा, ठीक है, इसमें सेंट्रल 50% रखेगी और स्टेट क्या 50% रखेगा। मतलब क्या कि जब भी, अब ये तो आपने बिल में देखा ही होगा, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो सीजीएसटी कितना लगता है 2.5% और एसजीएसटी, मतलब दोनों गवर्नमेंट साथ में लॉ बना रही है और साथ में रेवेन्यू बांट रही है 50-50%। इज इट क्लियर? ओके, तो सेम 12, 6, 6, 18, 9, 9 और 28, 14, 14। इज इट क्लियर? तो अगर ट्रांजेक्शन यहां पे स्टेट में होता है, इंट्रा स्टेट होता है, तो इंट्रा स्टेट के केस में आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी 50-50% लगता है। इज इट क्लियर? और अगर आपका ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट होता है तो वो केस में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। डन बेटा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो केस में लगते हैं। अब यूटीजीएसटी क्या हुआ, अब यूनियन टेरिटरी क्या होती है? वैसे देखा जाए तो इंडिया का हर स्टेट यूटी है, इंडिया का हर स्टेट यूटी है। यूनियन टेरिटरी का सिंपल मीनिंग, ऐसी टेरिटरी जो इंडिया में यूनिफाइड हुई है, ऐसी टेरिटरी जो एक सिंगल इंडिया में यूनिफाइड हुई है उसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी। ये मेरी बात समझे? ओके, तो महाराष्ट्र भी यूटी है, राजस्थान भी यूटी है, क्योंकि यूनाइटेड विथ इंडिया, अरे आया ना, यूनाइटेड विथ इंडिया। ओके, यूटी तो महाराष्ट्र भी है, पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई यूटी में स्टेट असेंबली होगी, आई रिपीट द वर्ड, क्या स्टेट असेंबली होगी तो फिर वो स्टेट माना जाएगा। आई रिपीट, यूटी तो सारे स्टेट है, लेकिन अगर कोई स्टेट में स्टेट असेंबली दिया होगा, ओके, तो वो क्या माना जाएगा? स्टेट। और अगर कोई स्टेट में स्टेट असेंबली नहीं दिया होगा या पार्टली दिया होगा, आई रिपीट, या पार्टली दिए पावर दिया होगा, तो वो क्या माना जाएगा? यूटी। जैसे चंडीगढ़ जो है स्टेट असेंबली नहीं है, और ख्याल रखना जहां स्टेट असेंबली नहीं है पूरा कंट्रोल सेंट्रल के पास होता है, क्योंकि स्टेट असेंबली नहीं है तो कंट्रोल कौन करेगा? सेंट्रल। अंडमान निकोबार पूरा कंट्रोल सेंट्रल के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर अपॉइंट करती है, वहां सीएम नहीं होता है, सीएम मतलब
चीफ मिनिस्टर, वहां सीएम नहीं होता है, गवर्नर अपॉइंट करती है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में सारी चीजें होती है. ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जिसमें आपको बताना चाहूंगा कि यूनियन टेरिटरी मतलब ऐसी कुछ टेरिटरी जैसा दीव दमन, दादरा नगर हवेली, अंदमान निकोबार, चंडीगढ़, ओके, उसके बाद में लद्दाख, ये समझ में आया? हाँ, ये प्योरली यूटी है, यूनियन टेरिटरी है. और दूसरा, कुछ स्टेट्स ऐसे, सुनना ध्यान से, कुछ स्टेट ऐसे है कि जहाँ पार्टली यूटी है. पार्टली यूटी में आता है दिल्ली, पार्टली यूटी में आता है दिल्ली. दिल्ली की कुछ पावर स्टेट के पास है तो कुछ पावर सेंट्रल के पास है. डन. पार्टली यूटी आता है कुछ, इवन यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भी अगर देखा तो फुल यूटी नहीं है, पार्टली यूटी है. पुलिस की पावर सेंट्रल ने रखी है अपने पास, पर अंदर आगे एजुकेशन होगा, सो वेलफेयर होगा, हेल्थ होगा, तो ये पावर किसको देंगे फ्यूचर में? स्टेट में, जब भी इलेक्शन हो गए. इज इट क्लियर? तो तीन ऐसे स्टेट है जो पार्टली यूटी है, दिल्ली, पौंडीचेरी जिसको हम पुडुचेरी कहेंगे, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर. इज इट क्लियर? तो ये जो यूटी होती है, पर अभी एक लाइन बता देता हूं आगे काम आएगा, ये जो तीन पार्टली यूटीज है ये जीएसटी में स्टेट माना जाएगा. बोल एक बार मेरे साथ फिर से, ये तीन पार्टली यूटी है. कौन सी तीन पार्टली यूटी है? दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. ये जीएसटी में स्टेट माना जाएगा. इज इट क्लियर? ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि ये तीन यूटी स्टेट मानी, जीएसटी पर्पज के लिए स्टेट मानी जाएगी. तो अब बेटा अगर आप ध्यान से सुनिए सभी, यहां पे आपको दो ऑप्शन यहां लगने हैं. जब भी ट्रांजेक्शन होगा, सप्लायर है और रिसिपियंट है, और गुड्स या सर्विस सप्लाई किया हुआ है, तो इस पे आइदर आपको लगेगा सीजीएसटी एंड क्या एसजीएसटी. सीजीएसटी और एसजीएसटी वो जो भी है समझ लो 6% एंड 6%, या फिर सीजीएसटी एंड क्या यूटीजीएसटी 6% एंड 6%. सर ये यूटीजीएसटी कब लगता है? जब इंट्रा स्टेट यूटी में हो. आई रिपीट द वर्ड, क्या? जब इंट्रा स्टेट यूटी में हो. आप चंडीगढ़ गए या आप चंडीगढ़ के रहने वाले हो और वहां से कुछ गुड्स खरीदा और वो इंट्रा था. आई रिपीट द वर्ड, क्या वो इंट्रा था? तो वो एसजीएसटी नहीं लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं? यूटीजीएसटी. एक बार फिर से, जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहां हो? यूटी में हो, तो सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी लगता है. और जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन स्टेट में हो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों भी इंट्रा में ही लगता है. ये समझ में आया कि नहीं? दोनों में भी इंट्रा में लगता है, बट जब इंट्रा ट्रांजेक्शन स्टेट में हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, और जब इंट्रा ट्रांजेक्शन यूटी में हो तब सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी. तो बेटा जो ऑनलाइन स्टूडेंट कनेक्टेड है, फटाफट जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो बताओ. वेरी गुड. और बेटा ये समझ में आएगा तो फटाफट लाइक करके बताओ. चलिए ओके. मैं चौथा फेज देख रहा हूँ, जमाना बदलते जा रहा है. तो यहाँ पे जहाँ तक है, पहले ऐसा होता था कि रेगुलर क्लास, इनडेप्थ नॉलेज, बैठे है सब स्टूडेंट है बस हमारा. आज का जमाना व्यूज का और लाइक्स का है. चलिए ठीक है. तो यहाँ जहाँ तक देखा जाए, टर्न टू अवर डिस्कशन. तो जहाँ तक देखा जाए, अब सर ये यूटीजीएसटी एक्ट जो पास हुआ, तो बताओ आपका कॉमन सेंस से बताओ, यूटीजीएसटी कितने स्टेट में, कहाँ कहाँ रहेगा पूरे इंडिया में? 7 यूटीज है, सॉरी 8 यूटीज है, उसमें से 5 यूटी, क्योंकि 3 तो हमने इधर डाल दी, किधर डाल दी? स्टेट में डाल दी. तो जो प्योरली यूटी है, आई रिपीट द वर्ड, जो प्योरली यूटीज है, ओके, वहां पे यूटीजीएसटी एक्ट पास हुआ है. एंड दैट ऑल्सो एग्जैक्टली सेम विथ क्या सीजीएसटी, वर्ड टू वर्ड सेम, ठीक है? इसलिए हमें यूटीजीएसटी एक्ट भी पढ़ना नहीं है. उसके बाद में आता है आईजीएसटी. आईजीएसटी ओके, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसमें जो होता है कि जब आप एक स्टेट से, हाँ थोड़ा आईजीएसटी का डिस्कशन बाद में करूंगा, बहुत सारे डाउट्स और क्वेश्चन दिमाग में आएंगे कि सर क्यों आईजीएसटी में वो 50-50 क्यों नहीं किया गया. ओके, सारे रीजन लॉजिक के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं दूंगा.
अभी आप इतना समझ लो, आईजीएसटी जब लगता है तो फुल रेट से लगता है, फुल रेट मतलब 5%, एक ही टैक्स लगता है, वहां दो टैक्स नहीं रहते। जैसे मैंने यहां से सूरत में माल बेचा, यहां से सर्विस सूरत में दी, अरे समझ में आया, तो बिल में एक ही टैक्स लगा होगा, कौन सा? आईजीएसटी, और वो फुल रेट से लगा होगा। फुल रेट से मतलब 5, 12, 18 एंड ये 50-50 में स्प्लिट नहीं होते। इसलिए इसको इंटीग्रेटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिस रेट इज इंटीग्रेटेड ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आई रिपीट, इंटीग्रेटेड क्यों कहा जाता है, इंटीग्रेटेड ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। तो ये एक ही रेट से, जैसा मैंने गुड्स बेचा वैल्यू 1 लाख और उसके ऊपर आईजीएसटी 18%, ये समझ में आया क्या? तो एक ही टैक्स लगाया जाता है। सर पर क्यों इसको क्यों नहीं स्प्लिट किया जाता है? ओके, फिर इसका रेवेन्यू कैसे शेयर होता है सेंट्रल और स्टेट में? आगे देखिए, ठीक है? तो चलिए, तो यहां पे आईजीएसटी, उसके बाद यहां पे नेक्स्ट एक्ट है और वो है जीएसटी सेस। ये भी सिलेबस में पर बता देता हूं क्या हुआ था कि जीएसटी आने के बाद कुछ स्टेट को डर था कि हमें रेवेन्यू लॉस हो सकता है, ठीक है? स्पेशली वो स्टेट जहां इंडस्ट्रीज नहीं थी, ओके, जहां इंडस्ट्रीज नहीं थी और जीएसटी में क्रेडिट कंसेप्ट आने वाले थे, मतलब आपने जो परचेस किया उसके आपको सेट ऑफ, जो परचेस किया उसके टैक्स का आपको क्या सेट ऑफ, इज इट क्लियर? तो ये क्रेडिट कंसेप्ट जीएसटी में आने वाले थे। तो जैसे जहां महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो और कुछ डेवलप स्टेट ले लो जहां इंडस्ट्रीज अच्छी है, तो इन स्टेट को बड़ा फायदा होता है, ओके, क्यों? क्योंकि ये स्टेट को बहुत सारा रेवेन्यू मिलता है। लेकिन वो स्टेट जहां कंज्यूमर स्टेट होते हैं, मतलब इंडस्ट्री नहीं है, कंज्यूम करती है मैक्सिमम, ओके, आप मणिपुर, आसाम, बिहार वगैरह ऐसे कुछ स्टेट ले लो कि जहां कंज्यूमर स्टेट है, जहां इंडस्ट्रीज बहुत कम है, उनको क्या हो जाता है, थोड़ा बर्डन आ जाता है टैक्स का और वहां पे उतना टैक्स का रेवेन्यू नहीं हो पाता है। तो समझ लो ये जीएसटी काउंसिल है और जीएसटी काउंसिल में मैं प्रपोज कर रहा हूं कि सारे स्टेट एक जैसा लॉ बनाएंगे, सारे स्टेट एक जैसे रेट रखेंगे, सारे स्टेट एक जैसी प्रोसीजर रखेंगे। तो कुछ स्टेट ने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, हमारा अंडर डेवलप स्टेट है या डेवलपिंग स्टेट है और आप हम पे यही फोकस रख रहे हो कि सेम रेट रखो, सेम ये रखो। तो ऐसे केस में हमारा रेवेन्यू तो कम हो जाएगा क्योंकि हम इंडस्ट्री को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें तो जीएसटी में लॉस हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा कि चलो, जहां सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर बैठे, कुछ स्टेट ने ओके आवाज रेज किया और कहा कि नहीं नहीं हमें लॉस हो सकता है जीएसटी आने के बाद। लेकिन ये बहुत क्लियर था कि अगर इंडिया में जीएसटी लाना है ओके, तो सारे स्टेट एग्री होना जरूरी था। ऐसा नहीं था कि हम 2-3 स्टेट छोड़ के जीएसटी लगा दे, ये पॉसिबल नहीं था, इज इट क्लियर? तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप ओके आसाम, मणिपुर, बिहार वगैरह के फाइनेंस मिनिस्टर हो, रुको, अगर यहां किसी भी स्टेट को जीएसटी आने के वजह से लॉस होता है तो इसमें सेंट्रल उनको उनका लॉस कंपेंसेट करेगी। ये समझ में आया क्या? ओके, सेंट्रल उनका लॉस कंपेंसेट करेगी। तो यहां फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बड़े सिना तान के बोल दिया कि सेंट्रल कंपेंसेट करेगी, पर फाइनेंस मिनिस्टर लाएंगे पैसा कहां से? सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमिट तो कर दिया, ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चालू थी उसमें कमिट तो कर दिया, पर पैसा आएगा कहां से? तो फिर जो है ओके, उन्होंने एक और एक्ट पास किया, जीएसटी कंपेंसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2017। और ये एक्ट के तहत कुछ लग्जरियस आइटम्स और पब्लिकली डोमिनेटेड गुड्स पे एक्स्ट्रा जीएसटी लगाया गया, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, टोबैको। अरे सर मतलब सिगरेट पे नॉर्मल जीएसटी भी लगता है और जीएसटी सेस भी लगता है? हाँ। अरे सर गलत है। किसको गलत लग रहा है, किसको गलत लग रहा है? सिगरेट हुआ, टोबैको हुआ, ओके, गुटखा हुआ या लग्जरी कार हुई, ओके, एसयूवीज वगैरह जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से 50 लाख से ज्यादा है? नहीं नहीं, कैसे, मैंने कभी लाख देखे ही नहीं, मैं तो हजारों में रहता हूँ। तो ऐसे केस में जहां तक देखा जाए, तो जहां तक देखा जाए 50 लाख से ज्यादा, ऐसे कुछ उन्होंने लिस्ट दी और इस लिस्ट ऑफ आइटम जब भी इंडिया में सेल होगा, मैन्युफैक्चर होगा, तो उसके ऊपर 2 GST लगेंगे। कौन से 2 GST लगेंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी, जो नॉर्मल लगेगा तो लगेगा ही,
प्लस जीएसटी सेस लगेगा, जीएसटी सेस लगेगा। आज अगर आप 50 लाख के ऊपर की कार लेते हो तो आपका टोटल जीएसटी बर्डन है अराउंड 47%, 47% ऑफ वैल्यू। ये समझ में आ रहा है? मतलब 50 लाख के ऊपर की, यानी आपने 1 करोड़ की कार ली तो लगभग आपका 30 से 40 लाख रुपए अगर पूरा निकाल लिया जाए तो क्या है, जीएसटी का बर्डन, जीएसटी का बर्डन। ये समझ में आया क्या? उसमें बेसिक जीएसटी और जीएसटी सेस भी लगता है। जिसको खरीदना है, जिसके जेब में पैसा, इनडायरेक्ट टैक्स में भी पॉलिसी सेम है, जिसके जेब में पैसा है उससे निकालो, इनडायरेक्ट टैक्स में भी मैं बताऊंगा। इज इट क्लियर? तो चलिए, ये था जीएसटी कंपेंसेशन टू सेस एक्ट। नाउ आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, जैसा सर इनकम टैक्स में हम सेस जो निकालते हैं, एजुकेशन सेस, उसका ऑब्जेक्ट अलग है, टू प्रमोट एजुकेशन, वो हम बताओ इनकम पे निकालते हैं या टैक्स पे? यहां पे ये जो जीएसटी सेस है ये टैक्स पे नहीं, ये मेन वैल्यू पे निकालते हैं। नहीं समझे आप? ये टैक्स पे टैक्स नहीं है, ये भी वैल्यू पे टैक्स है। यानी आपकी वैल्यू 1 करोड़ होगी तो नॉर्मल जीएसटी 28% लगाई, अरे आया ना, प्लस 1 करोड़ का 20% जीएसटी सेस, 28 + 20 यानी कितना हो गया 48। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो यस, ये जीएसटी, तो ऐसे टोटल 5 एक्ट पर हमको जीएसटी कंपेंसेशन सेस पढ़ना नहीं। ये कभी कैलकुलेशन में आया तो मैं आपको मेथड बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करना है, बट इट्स नॉट अ टैक्स ऑन टैक्स। इज इट क्लियर? तो ऐसे टोटल 5 एक्ट हमें पढ़ना है। जो स्टूडेंट यहाँ पे सीएमए में है तो सीएमए में यहाँ कस्टम्स उनको एक्स्ट्रा है जो 10 मार्क का रहेगा, और ये कस्टम जो 10 मार्क का होगा वो अलग से लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डन, चलो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्लास मटेरियल। आपको क्लास में मटेरियल कैसे दिया जाएगा थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है? अभी मेरे पास तो, क्योंकि आपके मॉडल पूरे आने बाकी है, पर मैं बता दूं, आपको सबसे पहले तो दिया जाएगा रेगुलर मॉडल्स, ठीक है? ये जो रेगुलर मॉडल्स है ये तीन, चलो मैं दो एक डेढ़ मिनट का ब्रेक ले सकते हो, तब तक मैं सब मॉडल अरेंज कर लेता हूँ और फिर आपका हमारा सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। पर मैं दे रहा हूँ क्लास इमीडिएट कंट्रोल में भी आनी चाहिए। डन, ओके, एक मिनट। हेलो, नहीं नहीं बेटा, 2 मिनट का ब्रेक है, क्लास नहीं हुई, 2 मिनट यहाँ मैं इंटरनेट कनेक्ट करना भूल गया हूँ, 2 मिनट फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
कौन था इंटरव्यू का, कौन था फास्ट, कौन था कौन था चलिए आ जाते हैं। आपको नोट्स जो है यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, रेगुलर नोट्स जो है आपको ऐसे तीन मॉड्यूल मिलेंगे, ठीक है। जो कल जो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड मोड में बैच करने वाले उनको पूरी किट यानी मॉड्यूल चार्ट बुक वगैरह पूरी किट डिस्पैच हो गई है, और जो अभी यहाँ फेस टू फेस कर रहे हैं तो उनको बाकी बची हुई किट मिल जाएगी आने वाले एक वीक में, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि आपको रेगुलर के टोटल 3 मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमारे होंगे 14 चैप्टर्स 3 मॉड्यूल्स में। ये जो रेगुलर नोट्स है इसके यूनिक फीचर क्या है वो आपको बता देता हूँ। रेगुलर नोट्स के जैसे एक मैंने यहाँ डिजिटल बुक ली है, एक चैप्टर लिया कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ तो इसमें पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मैंने यूज़ किया है। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपकी महाराष्ट्र में फैक्ट्री है, वेयर हाउस आपका एमपी में है, डेपो गोवा में है, तो जीएसटी इम्प्लीकेशन कैसे हो गए, आप ये चीज़ें इमेजिन कर पाओगे। प्लीज़ आप ये चीज़ें सारी इमेजिन कर पाओगे, तो ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको बहुत काम आएगा। उसके बाद में अगर आप ये देखते हो तो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में भी लिए, साथ साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट के नीचे मैंने स्पेस छोड़ा है चार्ट के लिए। मैंने मेरी नोटबुक मतलब हमारे जो क्लास नोट्स रहेंगे, ये क्लास नोट्स में जहाँ अगर नीचे मैंने स्पेस छोड़ा है तो वो स्पेस आपने कोई अदर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना है। इज़ इट क्लियर? तो सारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी समझ ले, मैं जो चार्ट वहाँ ड्रॉ करवाऊँगा वही चार्ट आपने वहाँ ड्रॉ करना है, बाकी कोई भी अदर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना है। उसके बाद में ओके, ये कलर नोट्स है। अब ये कोई स्पेशल यूएसपी तो नहीं बची, हाँ, लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया में विथ ऑल पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन 2014 में एंड कलर नोट्स, ये मैंने स्टार्ट किया था 2014 में फॉर सीए। पहले भी कलर नोट्स आती थी बट विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन मैंने स्टार्ट किया था। ये आप बड़े बड़े चार्ट्स देखते हो, ये चार्ट सिस्टम भी 2005 में फर्स्ट टाइम इंडिया में मैंने चार्ट स्टार्ट किया था कि बिग चार्ट सिस्टम जो वैसे कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया है खुद हाथ से, वो आपको मैं बताऊंगा, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट है ये भी मैं बताऊँ ओके, उनको भी मैं वो चार्ट बताऊंगा। वैसे मैं रेडी चार्ट्स देता हूँ पर आपसे ये ड्रॉ करवा के रखूंगा। इज इट क्लियर? ओके, तो जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे ये आपको रेगुलर बुक मिल जाएगी, कंप्लीटली कलर नोट्स है।
अब मैं आपको ये बता दूं कि बुक्स में बहुत सी जगह मैंने, अगर आप देखोगे तो P1, P2, P3 ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, यानी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यानी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में मेरे साथ सॉल्व करना है, जिसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन स्किल समझाऊंगा। इज इट क्लियर? ऐसे मोर देन 200 क्वेश्चंस मैंने हमारे रेगुलर नोट्स में ही ले लिए, हर कॉन्सेप्ट पे लिए, और ये 200 क्वेश्चंस हम लिख के देखने वाले फॉर 40 मार्क्स विद इन दिस 38 सेशंस। ये समझ में आया क्या? Yes, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लिख के देखने वाले, और इसमें मेरा मेन ऑब्जेक्ट ये रहेगा कि हाउ टू प्रेजेंट। क्लियर? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये तो आपको रेगुलर, आपको टोटल 3 मॉडल्स मिल जाएंगे। ओके, वैसे नोट्स अगर देखा जाए तो अगर मैं बहुत कंसाइज करूं, पिक्चर हटा दूं, चार्ट्स हटा दूं, तो ये एक ही मॉडल में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप बेसिक पढ़ते हो जीएसटी का और पहली बार पढ़ते हो, तो ये नोट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। इतने नंबर ऑफ पेजेस से डर मत जाना कि अरे इतना पढ़ना पड़ेगा, और क्यों, और आपकी आदत ऐसी होती है कि 2 पेज पढ़ते हो फिर देखते हो कितना बाकी है, फिर वापस से बड़े मुश्किल से 1 पेज पढ़ते हो और देखते हो कितना बाकी है। यानी आपका कितना बाकी है देखने में 1 घंटे में कम से कम 40 मिनट तो चले जाते हैं, है ना? ओके, और कभी कभी ऐसे थॉट फ्यूचर में कभी तो कभी होगा ये पूरा होगा। तो बेटा मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा ये नोट्स को ये मत लेना कि अरे बाप रे इतना पढ़ना पड़ेगा, कितना कैसे पढ़ना है मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है? दूसरी बात, जैसे आपको ये रेगुलर नोट्स दे दी जाएगी और इसके 3 मॉड्यूल आपके किट में दिखेंगे, उसके बाद में एक क्या होता है कि सर हमारा प्रैक्टिस तो हो गया, कॉन्सेप्ट बेस आपने क्वेश्चंस भी ले लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले लिए, हमको लिखना भी सिखा दिया, पर ये बताओ सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, आरटीबी में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस कैसे दिए जाते हैं? तो पिछले 2017 से लेकर अभी तक, यानी लगभग ये 7-8 साल हो गए हैं, और मैंने सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आरटीपी क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चन, प्लस मैंने बनाए हुए क्वेश्चंस सारे मैंने एक क्वेश्चन बैंक बनाई है, और कि जिसको मैं कहता हूं क्वेश्चन है बॉस, ये अगर सॉल्व कर लिया ना, मैं लिख कर देता हूं आपको कि आपको 35 से नीचे तो कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन बैंक दिए सारे क्वेश्चंस, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसके अलावा कभी कोई दूसरा क्वेश्चन आया, बहुत डेप्थ में निकाला बेटा। पहली बार 2018 में जनवरी में पूरे इंडिया में क्वेश्चन बैंक जीएसटी का फाइनल लेवल पे मैंने लॉन्च किया है, क्योंकि 17 में जीएसटी आया और मैं कंटिन्यूस 4 महीना अराउंड 13-14 आवर्स बैठकर क्वेश्चन बैंक बनाई, और ये क्वेश्चन बैंक फाइनल और इंटर लेवल के तब से मैं चला रहा हूं। नो डाउट इसमें अपडेशन तो कंटिन्यूस हो रहे हैं, रिफाइन तो हो ही रहा है, ये समझ में आया? तो अब मैं आपको यह बता दूं कि क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी जिसमें मोर देन 300 प्लस क्वेश्चन है, यानी सर ये रेगुलर बुक भी पढ़े, फिर क्वेश्चन बैंक भी पढ़े, ओके कितना पढ़े, सुबह से लेके क्लास भी करे, और हमारी हालत तो ऐसी हो जाती है सुबह सुबह तो भी थोड़ा ध्यान लगता है, कुछ स्टूडेंट का तो वो भी ध्यान नहीं लगता, नींद में रहते, ओके नींद में रहते, यहां पे वो भी ध्यान नहीं लगता है, ओके पर चलो ठीक है, करीब करे कंट्रोल से आ गया आप सुबह सुबह, दिन की शुरुआत अच्छी किसी को देख के कर ली, ठीक है सुबह सुबह आ भी गए, आखिरी सेशन तो ऐसा होता है पढ़ा पढ़ा ही दो अब तू, ओके यानी दिमागी ऐसा हो जाता है पढ़ा दो आज तो पढ़ा ही दो पूरा। तो जहां तक देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे अगर किसी बच्चे को यह आदत है कि यार मैंने नोट्स तो पढ़ लिया, चार्ट तो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन यार मुझे आदत है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ने की, तो ये 3 बुक वो बाजू में रख दे क्लास होने के बाद, और सिर्फ क्या ले ले, क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैंने हर एस्पेक्ट पे क्वेश्चन लिया है, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, और वो लिया है क्वेश्चन है मतलब, पर कंटिन्यूटी में ब्रेक मत करना। जैसे हमारा क्लास हुआ, रेगुलर बुक खत्म होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म हुए, क्वेश्चनर्स के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के मैंने डिस्कस कर लिए, उसके बाद में इमीडिएट आपने नेक्स्ट 1 मंथ सिर्फ क्वेश्चनर पढ़ लेना, आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, आपको रेगुलर बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। रेगुलर बुक जहां जहां जरूरत होगी कि भाई सर ने क्या बताया था, चार्ट क्या था, जरूरत होगी वहां देख लो, अदरवाइज आपको देखने की जरूरत नहीं है। I hope you understood what I am saying.
ओके, तो क्वेश्चनेयर बिल्कुल इस तरह से बनाया गया, कहां गया पेन, हाँ, ये क्वेश्चनेयर कैसा। और एक अच्छी बात जो मैं आपको बताता हूं, ये भी इंडिया में फर्स्ट टाइम, ये हमारे सीए कोर्स में अभी तक तो मैंने कहीं और नहीं देखा, फर्स्ट टाइम स्मार्ट एकेडमी में मैंने किया हुआ है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर मैं उसका क्रेडिट लूंगा जो मैंने किया है। और वो क्या, तो यहां पे मैं जस्ट आपको ये बता दूं, ये जो क्वेश्चनेयर है इसकी फिजिकल कॉपी तो आपको मिलेगी ही, ये जो क्वेश्चनेयर है इसकी फिजिकल या कवर पेज बदल जाएगा, ये मैंने पुराना लिया है, कवर पेज बदल जाएगा, पर इसकी फिजिकल कॉपी तो आपको मिलेगी ही, लेकिन इसकी डिजिटल कॉपी भी आपको मिलेगी। ओके, ये जो क्वेश्चनेयर है डिजिटल कॉपी की लिंक आपको आपके लॉगिन में दे दी जाएगी, वी स्मार्ट एकेडमी पे आपका लॉगिन क्रिएट होगा जिसमें ये लिंक दे दी जाएगी। ये डिजिटल कॉपी का फायदा क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। ओके, फायदा क्या है, ये लिंक आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हो, आईपैड में, मोबाइल में, लैपटॉप में। प्लीज जिसको इसमें इंटरेस्ट होगा, टाइम पास करने में इंटरेस्ट होगा, वो बाहर जाके जरूर टाइम पास कर सकते हैं। और मैंने कहा कि अगर मैं एक घंटे बाद आपको एक मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, दो मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, जितना टाइम पास करना है उसमें कर लेना, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे, ये डिजिटल बुक आपको लिंक है, आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, और ये जो है डिजिटल बुक की खास बात बताता हूँ आपको, जैसा ये जो आपने चैप्टर क्लिक किया, और ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है डिजिटल बुक। अब ये आपने ओपन किया और ये समझ लो ये चैप्टर है क्वेश्चनेयर का, हर जो सब टॉपिक्स है, हर जो कॉन्सेप्ट है, हर कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चंस मैंने लिए सब दिए इसमें, प्लस ICAI मटेरियल के क्वेश्चंस, RTP के क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चंस, और मैंने जो अच्छे क्वेश्चंस बनाए वो सारे, यानी ये जितने क्वेश्चन है उसको मैंने अरेंज करके भी दिया है कि इसमें से RTP के कौन से है, ICAI मटेरियल के कौन से है, एग्जामिनेशन कौन से है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम के एक महीने पहले पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो फिर ऐसा सवाल आता है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, तो मैं अभी बता देता हूँ, इसमें जो RTP और एग्जाम के क्वेश्चन है बस उतने कर लेना, बाकी टाइम मिले तो करना, वो भी मैंने यहाँ ओके बायफरगेट करके दे दिया। नाउ जब ये डिजिटल बुक आप टर्न करोगे और आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लग रहा है कि यार सर ने कॉन्सेप्ट तो समझाया था पर मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूं, आंसर मुझे नहीं जम रहा है, आपके व्यूज अलग हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि यार सर अभी आके समझा दे यार इसका आंसर तो मजा आ जाएगा, फिर से मेरा अच्छे से हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मुझे याद करना है, और मुझे याद करके साइड में आपको प्ले वीडियो करके ये लिंक मिल जाएगी, इसको क्लिक करो, ये वीडियो आपके सामने आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे GST की जीनी बुक कहता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है, आ जाएगा, आ गया आ गया आ गया। और तो ये GST की जीनी बुक कहता हूँ मैं, कि आप सिर्फ ये, मैं एग्जाम तक आपके साथ हूँ, ये सिर्फ आप क्लिक करो, उसी क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं स्पेशली आ जाऊँ वहाँ पे। और ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, कि जहाँ मुझे लगता है कि आपको गाइडेंस की जरूरत है, सभी जगह मैंने लिंक अटैच किए, बस आप क्लिक करो ये मिल जाएगा। तो ये डिजिटल बुक का सबसे बड़ा फायदा क्या है क्वेश्चनेयर का, आप कहीं पे भी कैरी करो, आपको फिजिकल बुक कैरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप में बैठे बैठे आप पढ़ाई कर सकते हो, साथ साथ में वीडियोस भी देख सकते हो जहां रिक्वायर्ड है। देन तो ये आपने देखा यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चनेयर है किस तरह से मिलेगा, इसमें सारी RTP, सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कवर कर लिए जाएंगे। अब मैं वापस से आता हूँ बेटा, MCQ बुक की आपको PDF कॉपी मिलती है आपके लॉगिन में, मैं फिजिकल कॉपी नहीं देता, क्लियर। तो MCQ बुक की आपको PDF कॉपी दे दी जाएगी आपके लॉगिन में, उसके वो प्रिंटआउट आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब देखो क्या होता है भाई, ये तीन बुक थी, क्लास हुआ, क्वेश्चनेयर डन, पर एग्जाम के एक महीने पहले जो लोग सीरियस से रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग अब पढ़े ही नहीं है पर कुछ शॉर्ट मिल जाए समझ आ रहा है, कुछ क्या शॉर्ट में मिल जाए कि जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, ये समझ में आया क्या। तो उसके लिए मेरे आती है चार्ट बुक, पूरा GST मोर देन 80% कॉन्सेप्ट, मैंने 80 भी नहीं बोला, मोर देन 90% कॉन्सेप्ट इसमें मैंने अराउंड ये
27 पेजेस में कवर कर लिया है। और यह चार्ट बुक अभी आपको इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, पर जैसे जैसे चैप्टर कवर हो गया हमारे, और तुम ऐसा एक चार्ट चार्ट बुक का एक चार्ट टर्न करोगे, एक चैप्टर एक पेज में सारे कॉन्सेप्ट के साथ जब कवर होगा तो तब का मजा अलग ही है। ओके, तो ये कंप्लीट चार्ट बुक आपको मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पे ये जो है एक चैप्टर है, और वे चार्ज ऑफ जीएसटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। ओके, ये जो चार्ट्स है, ये चार्ट्स भी कुछ नए नहीं हो गया आपके लिए। हम क्लास में जो छोटे छोटे चार्ट्स बनाने वाले हैं उसको मर्ज करके, यानी आप जब देखते ही आपको समझ जाओगे सप्लाई इंक्लूड एक्सक्लूड जो हम बनाएंगे क्लास में, उसको सबको मर्ज करके एक चार्ट बुक 27 पेजेस में आप जीएसटी को कंप्लीट कर सकते हो। और इसके भी रिवीजन वीडियो, चार्ट के रिवीजन वीडियो वी स्मार्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एज आरआर रिवीजन, आरआर मतलब रैपिड रिवीजन, आपको पूरे मिल जाते हैं। इसलिए वो स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई या बाद में जाग आया और चलो कुछ शॉर्ट में मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, उनको भी मैं हेल्प कर रहा हूं। और क्या होता है बेटा, जनरली अभी मैं देख रहा हूं पिछले 5 साल में जो रेगुलर क्लास पढ़ाता है वो आपको उतना कैपेबल बनाता है, आपको हनुमान बनाता है, ठीक है। पर जनरली ऐसा हो जाता है, रेगुलर क्लास हो गया पर क्लास होने के बाद आपको याद नहीं आता है, फिर आपको लगता है कोई रिविजन करवा दे। अब कोई दूसरी फैकल्टी रिविजन करवाती है, आपको लगता है कि यही बेस्ट है, हनुमान हमने बनाया, उड़ना सी वो बता रहा है, तू उड़ सकता है। अरे समझ में आया क्या, तू उड़ सकता है, आपको लगता है यही बेस्ट है, ठीक है। फिर रिवीजन, अब तो YouTube पूरा रिवीजन वीडियो से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यही बेस्ट है। पर मेरे इसमें हनुमान भी मैं बनाऊंगा और उड़ाना भी मैं बताऊंगा। उड़ना कैसे वो भी वही बताऊंगा, और कोई नहीं बता सकता। ये समझाया नहीं समझा, हाँ ओके। तो ऐसे तो ये चार्ट बुक रहेगी। आप एग्जाम के एक महीने पहले, मैं आपको एश्योर करता हूं, ये और क्वेश्चन है, दैट्स इनफ। रेगुलर बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जहां रिक्वायर्ड हो, जहां कुछ तुमने स्पेशल कमेंट रखी हो वहां देख लेना, अदरवाइज ये और क्वेश्चन है इनफ। अब कोई स्टूडेंट को ये लगता है कि यार ये क्वेश्चन है भी बहुत बल्की है, हाँ और कैसे ये अभी नहीं नहीं, दो अप्रोच देखो कैसा बदल जाता है। पढ़ते वक्त तो ये सब बल्की लगता है, लेकिन आपको इंस्टा फोटो निकालना है तो ऐसे सारे बुक्स ऐसे जमा करते और ऐसे फोटो निकालते, ओके इंस्टा फोटो की, देखो कितना पढ़ना पड़ता है सीए में। अगर कोई स्टूडेंट को यहां लगता है ये क्वेश्चन है बल्कि है, करना चाहिए। अगर आपको रियली अच्छा पढ़ना है, जीएसटी को समझना है और रैंक की कोशिश करना है तो ये बुक सबसे बेस्ट है। लेकिन इसके बाद भी उसको लगता है कि यार सर ऐसे कुछ 50-60 क्वेश्चन मिल जाए कि बस उतना कर लो तो कवर हो जाएगा, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ख्याल रहे, हनुमान भी मैं ही बनाऊंगा और उड़ाना भी नहीं बताऊंगा। ये समझ में आया क्या? तो आपको मैंने ऐसे अराउंड इंटर लेवल पे 30 क्वेश्चंस निकाले जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। एक बार आपका सब्जेक्ट पे होल आ गया तो ऐसे क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन में दुनिया भर की एडजस्टमेंट्स है। यानी मैंने अपना क्वेश्चन, मैंने पिछले 3 महीने में इस पर वर्क किया फाइनल और इंटर के लिए, कि भाई सारी एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन में कैसी लाई जाए, सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, और वो एक क्वेश्चन कर लो तो मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स, मोस्ट ऑफ आपके पॉइंट्स कवर हो जाए। वो भी क्वेश्चन रेडी है, पर ये वो क्वेश्चन तब समझते वो एग्जाम के पहले जब आपने ये कंप्लीट किया हो। ये समझ में आया क्या?
ओके, साथ साथ में आप ये पढ़ रहे हो। तो स्टेप नंबर वन, क्लास के साथ ये जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेप्थ में लेके जाएगा हमारे तीन मॉड्यूल। उसके बाद में क्लास होने के बाद पूरा अटैक कर लेना किसके ऊपर, क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन आंसर पे कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपके एग्जाम के दो महीने पहले चार्ट एंड क्वेश्चन बुक, चार्ट एंड क्वेश्चन बुक, और लास्ट मंथ में ओके चार्ट और मेरे 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आपको इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते वो। इज इट क्लियर? आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। वो लोग कहते हैं ना तीन रिवीजन, हम तीन रिवीजन एक जैसे नहीं करेंगे, हम तीन रिवीजन अलग अलग मोड में करेंगे। इज इट क्लियर? पर उसके बाद में मैं ये मानता हूं कि मेमोरी को बार बार अगर कनेक्शन देते हो तो सब्जेक्ट याद रहता है, समझ में आया? और वो सब्जेक्ट याद रखने के लिए और एक ओवरऑल व्यू जीएसटी का कि हर चीज कहां से निकली, कहां से सोर्स है, कहां से उपज है और कितनी सारी ब्रांचेस बनी जीएसटी की। सोर्स फंडामेंटल उसका एक ही है, कॉमन है, यूनिफाइड सिस्टम है, पर वो निकला कैसे, इसके लिए मैंने ये वॉल चार्ट्स बनाया। ओके सर, इतना सारा मटेरियल, मैं मटेरियल ज्यादा नहीं है, स्टेप्स बता रहा हूं आपको कैसे करना है, ठीक है, स्टेप बता रहा हूं कैसे। अब ये चार्ट जो है बेटा, जो ये स्टूडेंट बना, आपसे बनवा के लेता हूं, ये चार्ट्स आपसे बनवा के लेता हूँ। ओके और ये जो चार्ट्स है, नो डाउट ये जो आप कॉम्प्रेंसिव चार्ट बनाओगे, यही चार्ट्स आपको चार्ट बुक में मिलेंगे, कोई नया नहीं मिलेगा, यानी आपको कुछ ऐसा नया नहीं मिलेगा, हर चीज कनेक्टेड है, सेम है। ये जो चार्ट्स है बेटा, ये चार्ट भी आपको दिए गए, ये घर में आपको वॉल पे चिपका देना है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसका वॉल पे या टेबल पे रखना है, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये एक साथ चार चैप्टर कनेक्ट हुए हैं और हर चैप्टर कैसे कनेक्ट हुआ है बेसिक जीएसटी से, उसका एक कंपैरेटिव यहां पे चार्ट बनाया गया। तो आप इसमें क्या करोगे, सुबह उठे ये चार्ट का इंपॉर्टेंस आगे धीरे धीरे समझेगा, और बस आप ये चार्ट की कनेक्टिविटी देख लो, वर्ड्स को भी मत पढ़ो, जो मैंने पढ़ाया है उसकी कनेक्टिविटी देख लो बस। मेमोरी को कनेक्शन मिल गया ना तो उसको याद आ जाता है। आपको पता है पुरानी मेमोरी कभी अगर कोई इंसिडेंट से कनेक्शन आ गया तो पूरा याद आ जाता है, ये समझ में आया? मेमोरी का ये फीचर है। और ये चार्ट आपको वॉल चार्ट बनाना है जिसमें सारी चीजें, हर चैप्टर 14 चैप्टर्स मैंने कनेक्ट किए हैं दो चार्ट में, आप समझ रहे? और ये चार्ट का इन्वेंशन ही मैंने किया 2005 में, बिग चार्ट्स। फिर यहां से चार्ट बुक मैंने बनाई, क्वेश्चन मैंने बनाया, डिजिटल बुक मैंने बनाई, ये आपको दे रहा हूं। ये जो आज आप यहां पे जो ट्रेंड देखते हो, इसमें मैंने भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। आज कलर बुक का देखते हो तो दोस्तों यहां पे ये चार्ट जो आपको मिलेगा, जैसा आपको दिखाना चाहूंगा, हाँ जैसा ये चार्ट है, ये सप्लाई चैप्टर, कलेक्शन चैप्टर, टैक्स पेमेंट चैप्टर, उसके बाद में आरसीएम, ये हर चीज, हर चैप्टर एक मेक से कितना कनेक्टेड है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा हमारे सेशन में। सो दोस्तों ये रहा, आपको ऐसे जीएसटी के दो चार्ट्स मिलेंगे, जस्ट मिनट वापस आते हैं। चलो तो क्वेश्चनर का एक मॉड्यूल मिलेगा, वॉल चार्ट्स आपको दो चार्ट्स मिलेंगे और चार्ट बुक आपको एक मॉड्यूल मिलेगा, ऐसे टोटल किट आपके पास आएगी। एक बार अपनी किट चेक कर लेना, एक बार फिर से, मॉड्यूल कितने, तीन, क्वेश्चनर एक, वॉल चार्ट्स दो और चार्ट बुक एक, इस तरह से आपको पूरी किट आएगी। दूसरी बात आपको बता दूं, ओके ये जो है एमसीक्यू की पीडीएफ तो आपको उसमें मिल जाएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अब आते हैं अमेंडमेंट्स। तो बेटा आपको नवंबर 23 एग्जाम के लिए अमेंडमेंट्स जो अप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2022 अप्लीकेबल है और नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स अभी 30th अप्रैल तक की, मैंने 17 अप्रैल तक की सारी अमेंडमेंट्स कवर कर लिए। आने वाले 13 दिन में अमेंडमेंट्स अगर होगी तो वो भी मैं कवर कर लूँगा, नहीं होगी, अगर मैंने कवर नहीं की मतलब नहीं है, ऐसा समझ लेना, मुझे व्हाट्सअप मत कर रहा, अगर होगी तो मैं कवर जरूर कर लूँगा। इज इट क्लियर, यस और नो? यस, ठीक है। उसके बाद में डाउट्स, डाउट्स बेटा आप जो अभी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हो,
वी स्मार्ट का, यानी जो हमारा प्लेयर सेटअप है, वो प्लेयर सेटअप में ऐप इंस्टॉल होता है। वो प्लेयर सेटअप में क्यू एंड ए करके एक टैब है, क्यू एंड ए में आप अपने डाउट्स पूछो। ओके, जो भी डाउट्स है, बिल्कुल व्हाट्सअप जैसी फैसिलिटी है, आप पिक्चर शेयर कर सकते हो, पीडीएफ शेयर कर सकते हो, अपना वॉइस मैसेज दे सकते हो। और ये जो है मेरे अंडर में टोटल 5 CA मेरे GST रिसर्च में है, और वो CA 2017 से मेरे साथ काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस में भी है, और तुम्हारे डाउट्स के लिए भी वो एंटरटेन करते हैं। वो यहाँ पे सारे डाउट्स आपके बहुत अच्छे से सॉल्व कर देंगे। अगर कोई डाउट आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उस पर टाइप कर दो शेयर टू सर, तो उसी ऐप में वो शिप कर देते हैं मेरे तरफ, और उसका आंसर मेरे से आ जाता है। इज इट क्लियर? अगर आप सेटिस्फाइड हो तो अननेसेसरी परेशान मत करना, समझ में आया क्या? अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जस्ट इतना मैसेज करने देना शेयर टू सर, तो मुझे आ जाता है, एंड देन आई विल आंसर अकॉर्डिंगली। इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद में टेलीग्राम ग्रुप जो यहाँ पे ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, मैं जो ऑनलाइन डाउनलोड करके मुझे देखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप आपके लॉगिन में स्टडी ग्रुप में दिया है, आपको ये ज्वाइन करना है, क्योंकि आपका और मेरा कनेक्शन इसी ग्रुप से रहेगा। और जो यहाँ फेस टू फेस है, तो मैं अभी डोर पे लगा दूंगा कल से, तो आपने वो टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारे GST का बैच का, वो ज्वाइन कर लेना है, मस्ट ज्वाइन करना है। तो ये सारा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दिया बेटा, तो चलिए यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और रिमेनिंग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा,
हेलो चलो आ जाओ सभी लोग। हाँ तो शुरू करें, आर यू रेडी? तो शुरू करते हैं जीएसटी की गाथा। चलिए अब अपना नोट्स ओपन कीजिए और नोट्स में चैप्टर वन। बेटा जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या रिकॉर्डेड मोड के क्लास कर रहे हैं, हो सकता है आज नोट्स ना हो, तो डोंट वरी, जो भी मैं लिखूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज, या आपको कल एक बार मैं बता दूंगा तो स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है, जहां जहां मैं कहूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है आपके मोबाइल में, अगर मोबाइल में देख रहे होगे तो। दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं कि आपको आपके लॉगिन में जाकर कोर्स कंटेंट में जाकर पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर लेना है, और जब तक आपकी नोट्स नहीं आती है पहले दो चैप्टर्स की नोट्स आपके पास प्रिंट आउट रखना है, ठीक है? आपके लॉगिन में आपको नोट्स मिलेगी पीडीएफ कॉपी। आपको लॉगिन कैसे क्रिएट करना है मैं आखिरी में बता दूंगा, ये सेशन के एंड में बता दूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ पहले चैप्टर पे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ जीएसटी। सर पहला सवाल हमारा ये है कि ये बताइए जो मटेरियल इंस्टीट्यूट का है वो क्या हम पढ़े, क्या क्या पढ़ोगे? ओके इतना ही मैंने दे दिया, यही बहुत है, और ये इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है, आपको कैसे स्टेप में पढ़ना है, तो आपके कंटेंट को धीरे धीरे कंसाइज किया हुआ है। मैं कहता हूँ जितने भी स्टूडेंट, मैंने पिछले डेढ़ साल में मोर देन 6000 स्टूडेंट्स ने क्लासेस लिया ऑनलाइन वर्चुअल मोड में, और सारे स्टूडेंट ने जब एग्ज़ाम दिया तो मेरे पास मोर देन 4000 स्टूडेंट्स के फीडबैक है कि सर एग्ज़ाम तक हमके चार्ट्स और आपके क्वेश्चंस यही याद आ रहे थे, और सबने ये कॉन्फिडेंस मेरे को मैसेज में दिया, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी मार्क्स अच्छा है कि सर जीएसटी तो हमारा अच्छा गया है। वो बात अलग है कि पता नहीं चलता कितना जीएसटी के मार्क्स और कितना इनकम टैक्स के, क्योंकि टैक्सेशन के पूरे मार्क्स आते हैं, पर उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि सर अबव 30 तो हमारा जीएसटी बहुत अच्छे से गया है। तो नोट्स का जो यहाँ पे क्रोनोलॉजी है उस तरह से बनाई गई है कि एग्जाम के एक दिन पहले तक ये नोट्स आपको हेल्प करेगी। इज इट क्लियर? ओके चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी ऑफ जीएसटी, तो चालू करते हैं हमारा पहला चैप्टर। ये चैप्टर जो है होगा 40-50 पेजेस का, लेकिन इसमें से जीएसटी समझने के लिए पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी के फंडामेंटल क्लियर करने के लिए पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एग्जाम के हिसाब से जब पूरा आपको फंडास क्लियर हो जाएगी तो एग्जाम के हिसाब से 5-6 पेजेस ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आया? लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये चैप्टर अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो आगे जीएसटी पे पकड़ आना बहुत मुश्किल है, इसलिए पहले मेरे 3 सेशन जो है चाहे कुछ भी हो जाए मिस मत करना। और जो स्टूडेंट आपके फ्रेंड है अदर क्लासेस में अभी, क्योंकि इनकम टैक्स खत्म नहीं हुआ है,
अगर बैठे हैं तो उनको ये बोलना कि ये पहले दो तीन सेशन देख के ही ज्वाइन करो, तो ही उनको चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि मैं आगे कोई रिपीट नहीं करने वाला हूं, क्रेडिट क्या होता है, सेट ऑफ क्यों आता है, सेट ऑफ कैसे मिलता है, सारा बेस ही चैप्टर में क्लियर करने वाला हूं कि आपको परचेसेस के सेट ऑफ दिए ही क्यों है। ये समझ में आया क्या? जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इज इट क्लियर? तो चलिए यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट और जीएसटी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आ जाते हैं पहले डिस्कशन से, व्हाट इज टैक्स। अब आप इन अब मैच्योर्ड हो, टैक्स आने क्या ये आपको पता है, ठीक है। मेरे पास 38 डेज लिमिटेड टाइम पीरियड है। अब ये सिचुएशन है कि आपको फटाफट क्लास करके अपनी सेकेंड ग्रुप या सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर देना है, और अभी आप जो है आप भी ये मोड में हो कि सर सिलेबस खत्म करो, तो यहाँ कोई हमारा ज़्यादा टाइम ह्यूमर में नहीं जाएगा। ओके, ह्यूमर वाला टाइम होता है पहला एक महीना, समझ में आए? तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं बहुत ज़्यादा क्लास में ह्यूमर करूँ, मज़ा करूँ, एंजॉय करूँ। बिल्कुल हम पढ़ेंगे तो लर्न विथ फन, यानी जीएसटी में ही मज़ा आएगा आपको, लेकिन ये बिल्कुल मैं ऐसे एक्सपेक्ट मत करना कि भाई टाइम पास करते हुए पढ़ने वाले, नहीं, ठीक है। दूसरी बात, क्लास में जितना कम टाइम आप मेरा वेस्ट करोगे उतना अच्छी बात है। पार्टी वार्टी चिल्ला कर जो टाइम वेस्ट होगा, मैं कुछ बोलूं तुम कुछ अलग मीनिंग लो, उसमें टाइम पास करके जो टाइम वेस्ट होगा, हमें ये कम से कम रखना है। क्लियर? ओके, तो जहां तक पार्टी वार्टी की बात है मिल जाएगी, बस बीच में मेरे को बार बार मत पूछना कब, ठीक है। तो यहां पे व्हाट इज टैक्स। टैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टैक्सो, ठीक है। इट इज मैंडेटरी फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटी। ओके, टैक्स एक मैंडेटरी बर्डन है जो आपको पे करना पड़ता है, जो क्योंकि गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इवन दो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि टैक्स एक तरह का हफ्ता है, पर लीगल हफ्ता है। पर क्या? लीगल हफ्ता। गवर्नमेंट लीगली हफ्ता लेती है आपसे कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, फैसिलिटीज़ यूज़ कर रहे हो, सब यूज़ कर रहे हो, तो हमें कुछ तो हफ्ता दो। ये समझ में आया क्या? सर एग्जाम में पूछेगा क्या ऐसा? पूछेगा क्या टैक्स? टैक्स दिस वर्ड फ्रॉम वेयर इट इज डिराइव्ड? फॉर 2 मार्क्स। ओके, ये स्टार्ट करने के लिए ठीक है। हाँ, बीकॉम में बहुत मजा आता है आपको, सच में कहो क्या, बीकॉम में जब हम पढ़ते थे तो एक लाइन पढ़ के जाते थे, एक पैरा पढ़ के जाते थे, लेकिन 2-3 पेजेस तो लिख ही लेते थे और उसमें सप्लीमेंट लगा के लिख लेते। और बीकॉम में लिखने का तरीका बड़ा अच्छा था कि ये लाइट है, ये व्हाइट कलर का है, इधर से देखा तो लाइट दिखता है, उधर से देखा तो लाइट दिखता है, 2 पेजेस वैसे ही भर जाते। ये समझ में आया क्या? पर सीए में ऐसा मत करना, ठीक है। उसके बाद में मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ओके, मिलिट्री, डिफेंस वगैरह, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और गवर्नमेंट ये पैसा रिकवर करती है कौन से फॉर्म से? टैक्स है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो चलिए बताइए डिफरेंस, व्हाट आर द डिफरेंस, ये आपके साथ और जो ऑनलाइन कनेक्टेड है बेटा वो भी मेरे साथ शेयर करें, क्या आपको क्या पता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो वॉलेंट्री रेडी हो गए मैं उनकी बहुत तारीफ करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूँ, बस आपकी थोड़ी इच्छा होनी चाहिए कि मैं भी अपना कुछ नॉलेज शेयर करूँ। यस, गो अहेड, ये माइक देना बेटा। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स मीन्स, डायरेक्ट टैक्स मीन्स इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस इज ऑन अ सेम पर्सन। मतलब इनकम टैक्स हम भी खुद पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, मतलब वही बंदा, सिंपल वर्ड में मैं आपको हेल्प करना चाहूंगा कि वही बंदा पे करता है जो इनकम अर्न करता है, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं करता। और इनडायरेक्ट टैक्स ये है कि इम्पैक्ट एक पर्सन पे होता है और उसका बर्डन दूसरे, मतलब सेलर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एनी अदर डिफरेंस बेटा, कोई थोड़ा भी पता हो? अच्छा आप बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। हाँ, थोड़ा इसको और इंप्रूव करता हूं। डायरेक्ट टैक्स इज लेवियबल ऑन इनकम अर्न। ऑन क्या? इनकम अर्न।
इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन गुड्स और सर्विसेज. इनडायरेक्ट टैक्स इज ऑन गुड्स और सर्विसेज. और कोई डिफरेंस कोई ऑनलाइन बता रहा जाता है? डायरेक्ट टैक्स हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली पे करते हैं. वेरी गुड, मजा आ गया. और एक डिफरेंस है सर, डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स का, इनडायरेक्ट का 40. दो खींच को ऐसा दुगारा. ओके, दो खींच के ऐसा दुगारा. ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स मीन्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम असेसी, बट इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम. वेरी गुड. अगर आपका कॉमन सेंस कुछ कहता है तो जरूर बताइए, कलेक्शन किसका ज्यादा होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट. क्यों? क्यों? रीजन? कोशिश करो, मैं हेल्प करता हूं. कोशिश करो. डेली पर्पस की अपनी जो सेल होती है तो उससे भी वो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होता है, और इनकम टैक्स देखा जाए तो बहुत कम लोगों की इनकम पे कैलकुलेट होता है, तो इनकम जितनी ज्यादा होगी तो इतना ज्यादा वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट होगा. पर इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल बराबर है. इनकम टैक्स जो है ये प्रोग्रेसिव नेचर का है. एक थोड़ा वर्ड देता हूं उसको, क्या? प्रोग्रेसिव नेचर का. जैसे जैसा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा. इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का, मतलब ये वो बेगर हो, बच्चा हो, गरीब हो, उनको सेम रेट से टैक्स देना पड़ेगा. ऑब्वियसली तो इनकम जो है इनडायरेक्ट टैक्स का ज़्यादा रहे. ये तो ठीक है, ये हमने थ्योरी पढ़ी, तुमने डिफरेंस बता दिया जो आपको पता है. थोड़ा इसके डेप्थ को पकड़ते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. चलिए, मज़ा आएगा डिस्कशन में. समझ लो आज मेरा बैच चालू हुआ. ओके, आज मेरा बैच चालू हुआ और ये बैच चालू हुआ जिसकी इनकम मैंने अर्न की, इनकम अर्न, ठीक है, 5 लाख रुपए अज्यूम, ठीक है. कुछ नालायक क्या करेंगे, ऐसा कैलकुलेटर लेंगे. कर लिया ना? हाँ. ओके, तो एग्जाम्पल है, नालायक को समझो, इनकम अर्न, और ये इनकम 5 लाख रुपए. मेरे वाइफ को पता चला कि आज बैच चालू ही. मेरे वाइफ का नाम है, अरे यार क्या हो रहा है, एकदम वाइफ का नाम लेती है, उंगलियां थरथराने लग गई है. ठीक है, तो मेरे वाइफ का नाम है, तो इश्यू ये है, इश्यू ये है, और खबरदार अगर मैं जाते रहा पीछे ने किसी से नाम लिया, नाम लिया, इशू इशू, वो खींच के भी दिया था. ओके, यहाँ पे तो साइलेंट प्लीज. आज बैच हुई, बैच के बाद मैं घर पे जा रहा हूँ. मेरी वाइफ आती है और कहती है कि विशु. मैंने कहा हाँ जानू बोलो. तो आज बैच चालू ही है, मैंने कहा हाँ. बराबर है हाथों में. तो अब थोड़ा ये स्टोरी पे आओगा, जस्ट एक बात आपको बताना चाहता हूँ. अज्यूम करो कोई एग्जम्पशन नहीं कुछ नहीं, सिंपल टैक्स लेते हैं कि मैं 10% का टैक्स दे रहा हूँ 5 लाख पे, इनकम टैक्स दे रहा हूँ. किसको दे रहा हूँ? अरे, और ये 5 लाख का इनकम टैक्स मैं किसको दे रहा हूँ? गवर्नमेंट. तो 10% यानी कितना गवर्नमेंट को दे रहा हूँ? 50,000. गवर्नमेंट कहती है तुमने पैसा कमाया ना, तुमको मिला हमको भी चाहिए. समझ में आया? तुमको मिला हमको भी चाहिए. तो भाई तुमने पैसा कमाया ना, हमको 10% का टैक्स दो. ठीक है, 50,000 दे दिया. नेट मेरे पास कितना बचा? 4,50,000 मैंने टैक्स पे कर दिया. समझ लो मेरी वाइफ आती है, कहती कि विशु बैच चालू हुआ है, सुना है? मैंने हाँ. ठीक है, आज मुझे शॉपिंग के लिए जाना है. मैंने कहा अरे इतनी तो शॉपिंग हर वीक में होती है. जाना है? ठीक है, जाना है. तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या कितना चाहिए शॉपिंग के लिए? तो शी सेड 1 लाख. ओके, एक पेटी. तो 1 लाख. मैंने ज़्यादा बहस नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी लेना था. तो अब इमेजिन करो कि मैंने इसमें से मेरे वाइफ को कितना दे दिया? 1 लाख. पर मैंने एक्चुअली उसके हाथ में 1 लाख नहीं दिया, मैंने 10% काट के 90K दिया. उसने कहा ये क्या है? मैंने 1 लाख मांगे थे, तुमने क्या 90,000 दिए. मैंने कहा देखो जानू, मैंने इनकम टैक्स दिया था,
दैट इनकम टैक्स बर्डन पास ऑन, बर्डन पास ऑन. शी इज इंटीरियर डेकोरेटर. उसने कहा ये क्या है, यहाँ पे 1,00,000 मांग रही हो, 90,000 जो है मिल रहे हैं यार, और ये कुछ टैक्स की लैंग्वेज में कह रहे हैं कि बर्डन पास ऑन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और वो नहीं, ब्रेकअप शादी के बाद ब्रेकअप नहीं होते, पहले होते हैं. तो अब ऐसे केस है, बिल्कुल चुप. हाँ, तो ऐसे केस में वो वहाँ से तन फन कर निकल गए कि 1,00,000 मांगे थे, 90,000 दिए. फिर क्या हुआ, मेरा बेटा आया और मेरा बेटा ने कहा सर पापा स्कूल फीस देनी है. मैंने कहा हाँ बेटा कितनी, 50,000. मैंने ठीक है एक काम करो, मैंने 45K दी. मैंने कहा स्कूल में दे देना. अरे पर स्कूल में तो 50,000 देने हैं. मैंने कहा एक काम करना, स्कूल में बोला कि पापा ने इनकम टैक्स दिया, बर्डन पास ऑन. ओके, तो वो कहा मतलब, मैंने कहा कुछ नहीं, ऋतिक का एक डांस करना, बर्डन पास ऑन. तो यहाँ वो भी परेशान हो गया, देखो मम्मी कैसा, मुझे स्कूल में 50,000 देने हैं. मैंने बोला मैं 50 ही दे रहा हूँ, मैं 50 ही दे रहा हूँ. फिर पापा है, पापा ने कहा ओके बेटा मुझे 50,000 चाहिए. मैंने 45 के दिए, बर्डन पास ऑन. अगर ये घर फैमिली के साथ इनकम शेयर कर रहा हो और सबको मैं कम दे रहा हूँ, कह रहा हूँ बर्डन पास ऑन, तो शाम को ये पता चला मैं घर के बाहर, बर्डन पास ऑन. ठीक है, मैं घर के बाहर और बर्डन. देखो बेटा ऐसा कभी एग्जाम्पल आपने देखा नहीं होगा कि जिसके साथ हमारी इनकम हम शेयर कर रहे हैं उनको बर्डन पास ऑन कर रहे हैं, ऐसा आपने देखा नहीं होगा. द इनकम टैक्स जो है ये जो है ये पास ऑन नहीं होता है. ओके, पेएबल बाय द पर्सन कंसर्न, और थोड़ा एज देते हो वर्ड को, क्या पेएबल बाय द पर्सन कंसर्न, मतलब जिसने इनकम अर्न की है वही टैक्स देगा, वो उसका बर्डन पास ऑन नहीं कर सकता. ठीक है, ओके. अब आपको ये मैंने बताया एग्जाम्पल, पर सर क्यों ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि जब डायरेक्ट टैक्स पिक्चर में आया, इनडायरेक्ट टैक्स पिक्चर में आया, तो कोई मेडिटेशन में बैठ गया होगा, चाणक्य जी मेडिटेशन में बैठ गए होंगे और आंखें खोली, आज से डायरेक्ट टैक्स लगा दो, फिर आंखें बंद कर दी, फिर खोली, आज से इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो. ऐसा तो नहीं हुआ होगा, कुछ तो ये हुआ होगा जिससे ये नेचर बना कि ट्रांसफरेबल एंड नॉट ट्रांसफरेबल, कुछ तो हुआ होगा. चलिए, मैं PGBP थोड़ा बहुत पढ़ा है आप सब ने. देखो मैं इनकम टैक्स का रेफरेंस लूंगा, लेकिन कोई स्टूडेंट डायरेक्ट GST से स्टार्ट करे तो डरो मत, मैं बैठा हूं, आपको GST का हर वर्ड समझ जाएगा, क्योंकि दोनों टैक्स टोटली अलग है. ठीक है, दोनों टैक्स टोटली अलग है. डन. अब एक बिजनेस है, वी स्मार्ट एकेडमी, समझ लो आउटपुट सप्लाई सेल सर्विसेस हुई पूरे साल भर की 50,00,000. समझ में आया, 50,00,000 मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये 50,00,000 पे GST भी लगेगा, यस और नो? ये 50,00,000 मेरा टोटल सेल है, सर्विसेस है, उसके ऊपर क्या लगेगा? GST. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अपन ट्रेडिंग ले लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये बताओ कि ये 50,00,000 कहाँ दिखेगा? ये मेरी सेल्स दिखेगी या सर्विसेज दिखेगी? और यहाँ 50,00,000 यहाँ पे दिखेंगे 50. अच्छा, या 50,00,000 प्लस GST ग्रॉस रिकॉर्ड होगा या नेट से? नहीं बेटा, नेट से होता है. ओके, जर्नल एंट्री कैसे होती है? रफ में लिखो, कहीं बैक पेज पे आपको जर्नल एंट्री बता देता हूँ, थोड़ा आपको नॉलेज आ जाएगा. रफ में लिखना बैक पेज पे. GST की जर्नल एंट्री कैसे होती है? अभी ये बहुत बेसिक है और अभी क्लियर कर लो, ठीक है, सो दैट आपको आपकी दिक्कत नहीं जाएगी. सेल की एंट्री कैसी होगी? समझ लो 50,00,000, कैलकुलेटर लो, 50,00,000 पे 18% GST है. 18% मतलब 9,00,000 आएगा ना, तो 9,00,000 GST है. सभी लो जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी लो. और 50,00,000 पे नहीं, 59 का मेरे को पैसा आ रहा है कस्टमर से,
ये समझ में आया क्या? तो मेरी जर्नल एंट्री कैसे होती है, सेल्स की एंट्री क्या होती है? पहले तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट लिखो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला मुझे कैश और बैंक से? 59 लाख। टू सेल्स या सर्विसेज जो भी होगा, टू सेल्स आएगा 50 लाख, टू सेल्स आएगा 50 लाख। टू जीएसटी पेबल, आई रिपीट, क्या? टू जीएसटी पेबल कितना आएगा? 9 लाख। चलो इसके लेजर बनाओ, लेजर बनाओ, कैश और बैंक का लेजर बना, शॉर्ट में, फास्ट में, रफ में निकालो, कोई फेयर नहीं करना है आपको, फटाफट फास्ट में लेजर बनाओ। हेलो, आवाज, लेजर बना रहे हो? चलो चलो पोस्टिंग कर दो। अच्छा, सेल्स में कितना लिखा आपने? 5 लाख नहीं होगा, 50 लाख होगा सेल्स में। सेल्स में कितना लिखा? 50 लाख। ये 50 लाख का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा सेल्स का? ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अरे आया ना, ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, और वहां से तो सेल्स क्या हुआ, डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? क्रेडिट हुआ, तो उसको डेबिट किधर से शिफ्ट हो जाएगा, डेबिट करके हम किधर शिफ्ट करते हैं? प्रॉफिट एंड, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने से दिखेगा? 50 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना दिखेगा? 50 लाख। क्लियर है सभी को? एक लेजर आपका बना होगा जीएसटी पेबल, यस और नो? तो ये जो जीएसटी पेबल में बैलेंस किधर साइड दिखा? क्रेडिट साइड में दिखा। अब एक एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी? नीचे एंट्री मारो, क्या एंट्री होगी? जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कितना देना है हमें? 9 लाख। तो जीएसटी पेबल को डेबिट मार दो, कैश और बैंक को उधर डाल दो। अरे आया ना, इन शॉर्ट जीएसटी का इंपैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, ये ऊपर के ऊपर उड़ जाता है। ऊपर के ऊपर कैसे उड़ता है? जीएसटी पेबल क्रेडिट होता है, जीएसटी पेबल डेबिट हो जाता है। क्या ये सबको समझ में आया क्या? वो कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर तक, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी बताओ। ओके, तो यहाँ पे जीएसटी पेबल इन शॉर्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने आता है? 50 लाख। एक बात यही कंक्लूड करो, जीएसटी आपके सेल्स का पार्ट नहीं होता है, वो एक्स्ट्रा टैक्स है जो आप कैश और बैंक से पे कर देते हैं। इज इट क्लियर? अब बताओ ये 50 लाख पे क्या मैंने गवर्नमेंट को जीएसटी दिया हुआ है? गवर्नमेंट को मैंने जीएसटी पे कर दिया। कितना पे कर दिया? 9 लाख बाय कैश और बैंक। अब बॉस ये 50 लाख में मेरी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हो गए, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, अरे है ना, फिर मेरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गए, नेट प्रॉफिट निकलेगा। समझ लो 50 लाख में से 8 लाख रुपए मेरा नेट प्रॉफिट है। ये समझाया नहीं समझा? अब ये नेट प्रॉफिट पे इनकम टैक्स आता है अंडर पीजीबीपी, यस सर? ये नेट प्रॉफिट पे इनकम टैक्स आता है। तो आपका एक सवाल होगा कि सर 50 लाख पे ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट को दे चुका हूं, ये 50 लाख पे ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट को दे चुका हूं, ठीक है, वो जाने दो सर, ट्रांसफरेबल कस्टमर को जाएगा, पर गवर्नमेंट ने तो पैसा ले लिया ना, मैं ट्रांसफर करूं कस्टमर को जाओ, पर गवर्नमेंट ने तुम्हारे से ले लिया ना पैसा, यानी ये 50 लाख पे गवर्नमेंट टैक्स ले चुकी है, और उसी 50 लाख में से क्या बचा है? 8 लाख। तो वो 8 लाख पे भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है सर, ये तो सीधा सीधा डबल टैक्सेशन है। नहीं नहीं, लॉजिकली नहीं पर बेसिकली यस, नहीं समझा? लॉजिकली नहीं पर बेसिकली यस, ये वो डिफरेंस समझा क्या आपको? कि 50 पे गवर्नमेंट को दिया ना, फिर वो 50 का ही 8 बचाना, और 8 पे क्या ले रही है गवर्नमेंट? इनकम टैक्स। सर ये तो डबल टैक्सेशन है, लेमैन तो यही कहेगा डबल टैक्सेशन। हम तो सीए कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं, तो हमको लगे नहीं लॉजिकली अलग है, लेमैन तो कहेगा डबल टैक्स ले लिया, क्या ये डबल टैक्सेशन है? तो मैं कहता हूं नहीं, दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है। हां मैं मानता हूं कि 50 पे लेने के बाद उसके 8 पे टैक्स लिया, पर दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है।
ऑब्जेक्ट अलग अलग है, मतलब क्या सर बता दो। और इसके बेस पर मैं यहां आता हूं, क्या इनकम टैक्स कैसे डेवलप हुआ? इनकम टैक्स ऐसे डेवलप हुआ, नो डाउट चाणक्य पीरियड से, फिर वो आगे उसको बहुत अच्छा, बहुत से किंग ने ये इनकम टैक्स लगाया, पर ये अप्रोच पे डेवलप हुआ कि क्या हो रहा था, पहले इंडिया में सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे, इनकम टैक्स लगता ही नहीं था। इनडायरेक्ट टैक्स इज वेरी ओल्ड टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लगते थे, चलो इसके लिए एक पिक्चर का मैं यूज करता हूं। ये आपको ये पिक्चर दिख रहा है, ओके समझ लो, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, यानी सबसे ओल्ड टैक्स है इनडायरेक्ट। अगर कोई दूसरे किंगडम का कोई बंदा मर्चेंट मेरे किंगडम में बिजनेस करने आ रहा है, तो उसको ये किंगडम के किंग को कुछ गिफ्ट देना पड़ता था एज ए टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि भाई हम तुम्हारे किंगडम में बिजनेस करने आ रहे हैं, ओके कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, और गिफ्ट देने के बाद किंग परमिशन देता था कि हाँ तू मेरे एरिया में बिजनेस कर सकता है। इज इट क्लियर? समझ लो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मिस्टर वीर वो मर्चेंट फूड ग्रेन वॉन्ट टू डू बिजनेस इन द किंगडम ऑफ किंग गब्बर सिंह, ही हैज ब्रॉट 1000 बैग्स, कितना है उसके पास बैग्स, फॉर हिज विलेज फॉर बिजनेस ऑफ कॉस्टिंग 1 लाख, इसकी कॉस्ट कितनी है 1 लाख, 1000 बैग उसने बिजनेस के लिए लाई, ये किंगडम में बिजनेस के लिए, जिसकी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए। ही हैज गिवन 100 बैग्स टू किंग गब्बर सिंह एज अ गिफ्ट, गिफ्ट कितना दिया 100 बैग्स, ये गिफ्ट बाद में टैक्स में कन्वर्ट हो गया कि मेरे एरिया में बिजनेस करना है तो कुछ तो दे, नहीं तो तू कमा के चले जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे एरिया का है, लोग मेरे एरिया के है, प्लेस मेरे एरिया की है, तू सब मेरे एरिया का एक्टिविटी यूज कर रहा है, कुछ तो टैक्स दे, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो 100 बैग्स वो देता था और वो 100 बैग्स दे रहा है, ये बहुत पुरानी बात थी। तो अब इसके पास कितनी, ये 100 बैग्स सेल की या गिफ्ट दी? गिफ्ट दी। तो इसके पास कितनी बची? 900 बैग्स बची। अब ये 900 बैग्स की कॉस्टिंग कितनी होगी? तो अब देखो, ओके यहां पे अब मुझे ये बताओ कि ये अगर 10% मार्जिन लेना चाहता है बिजनेस के लिए, 10% मार्जिन लेना चाहता है बिजनेस के लिए, यानी प्रॉफिट लेना चाहता है, तो कितने में सेल करेगा? 122। चलिए कॉस्टिंग आपकी 900 बैग की कितनी है? 90,000। 900 बैग्स की 90,000। पर मुझे ये बताओ कि 900 बैग की कॉस्टिंग 90,000 है प्लस, ओके जो उसने उसको प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट लेना है, समझ लो अज्यूम प्रॉफिट 10,000 रुपए, कितना हुआ 1 लाख। लेकिन उसने जो गिफ्ट दिया गब्बर सिंह को, क्या वो गिफ्ट, हाँ वो गिफ्ट की कॉस्ट क्या वो कस्टमर से रिकवर करेगा? हाँ या ना? कोई भी प्रूडेंट बिजनेसमैन, अब उसकी 900 बैग्स की कॉस्टिंग 90,000 नहीं रही, 900 बैग की कॉस्टिंग 1 लाख हो गई। ये समझ में आया कि नहीं? कॉस्टिंग तो बड़ा ही है, तो वो इनबिल्ड हो जाएगा प्राइस में, तो गिफ्ट की कॉस्ट भी क्या वो ऐड करेगा? यस, गिफ्ट की कॉस्ट भी ऐड करेगा, कितनी 10,000, टोटल कितना हुआ 1,10,000। तो जब भी पुराने जमाने में बिजनेस होता था और राजा को कोई भी गिफ्ट दिया जाता था, उसकी कॉस्ट वो प्राइस में ऐड करके कस्टमर से ले लेते थे, क्योंकि वो कॉस्टिंग प्रिंसिपल था। यस और नो? मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसा मेडिटेशन में आंखें खोल के, आज ऐसा नहीं हुआ कि आज से इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ, ये सिस्टम ही ऐसा डेवलप हुआ कि अगर कोई टैक्स हमने दिया होगा तो दैट बर्डन पास ऑन टू द कस्टमर, बिकॉज इट इज अ बिजनेस टैक्स। आई होप यू अंडरस्टूड, दैट बर्डन पास ऑन हो जाएगा और वो कस्टमर को, तो इट इज पेबल बाय 1% बट ट्रांसफरेबल टू अनादर पर्सन, इट इज अ प्रूडेंट बिजनेस पॉलिसी। इज इट क्लियर? तो इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए बेटा वर्ड के गहराई में गए हम, वर्ड था ट्रांसफरेबल, क्यों ट्रांसफरेबल बना, कैसे, इसके पीछे रीजन क्या था, ये समझ में आया आपको? यस, ओके। तो ये था बेटा कि यहां पे बर्डन ट्रांसफरेबल फ्रॉम 1% टू अनादर, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस के लिए कॉस्ट लगी तो वो बर्डन कस्टमर से ले लेगा। इज इट क्लियर? अब देखो क्या हुआ बेटा, ये तो ठीक है कि ये एग्जांपल में हम ओके बिजनेस कर रहे हैं, जीएसटी लगा रहे हैं, जीएसटी बर्डन पास ऑन कर रहे हैं, इनकम टैक्स पिक्चर में कैसे आया? क्योंकि पहले इनडायरेक्ट टैक्स था,
इनकम टैक्स ऐसे पिक्चर में थोड़ा ओके यहां पे थ्रेड को पकड़ना, इनकम टैक्स पिक्चर में कैसे आया? इनकम टैक्स ऐसे आया पिक्चर में कि जो भी लोग बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस का टैक्स लग रहा था वो बर्डन पास ऑन हो रहा, यानी बिजनेसमैन पे तो आ ही नहीं रहा, आया ना पब्लिक से लिया जा रहा है। तो फिर बिजनेस से जो प्रॉफिट बचता था प्रॉफिट इनके तिजोरी में जमा हो जाता था, तिजोरी में जमा होते होते एक क्लास बनने लग गया रिच, अरे और एक क्लास बनने लग गया पुअर। रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम मोर पुअर, ये समझ में आया? इकोनॉमी दो इसमें डिवाइड होने लगी, रिच क्लास एंड पुअर क्लास, और पूरा कंट्रोल कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जा रहा था, फाइनेंशियल कंट्रोल। आज भी इंडिया में ऐसा है? अरे समझाया नहीं समझा। तो ऐसे कि इसमें पूरा कंट्रोल जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जा रहा था, तो कुछ राजाओं ने ये सोचा, जिसमें ये पॉलिसी पे बहुत अच्छा थॉट दिया चाणक्य जी ने, तो कुछ राजाओं ने ये सोचा कि नहीं यार, जो लोगों के पास पैसा जमा हो रहा है निकालो तिजोरी से और पब्लिक में लाओ, नहीं तो ये उस किंगडम के लिए उस कंट्री के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ये समझ में आया? तो उस तिजोरी से निकालो और पब्लिक में लाओ, बांटो पब्लिक में, नहीं तो रिच वालों के पास पैसा जमा होते जाएगा और 80% पॉपुलेशन या 90% पॉपुलेशन पुअर में चली जाएगी। समझा है नहीं समझा? तो फिर आया पिक्चर में क्या, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तिजोरी टैक्स है, तुम्हारे तिजोरी में जितना जमा होगा उतना ही निकलेगा। अरे आया ना? तो डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट द इनकम, चार्ज द टैक्स ओके एंड ब्रॉट टू द पब्लिक। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप एनी कंट्री। हां, जो वो टैक्स देता है उसको पिंच होता है कि पैसा मैं कमाऊं, मेहनत मैं करूं, और यहां से सीधा सीधा 30%। अरे है ना? तो यहां पे सीधा सीधा 30% पब्लिक में चले गया, पिंच होता है, पर कंट्री के लिए जरूरी है। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में ये तिजोरी टैक्स बना, इसलिए ये डबल टैक्सेशन नहीं है, दोनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है। ये बिजनेस टैक्स है तो ये तिजोरी टैक्स है, इसका ऑब्जेक्ट है डोंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूमुलेट इनकम। इज इट क्लियर? इसलिए ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे गवर्नमेंट आपसे ज्यादा लेता है। इनकम बढ़ी तो 30% के बाद भी गवर्नमेंट नहीं रुकती, सरचार्ज सेस ये तुमको मिला। ये समझ में आया क्या? तो इनकम टैक्स ऐसा ही है, तिजोरी है। हां, अब मैं आता हूं, इसलिए इसके बाद मुझे कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि सर इनकम टैक्स ऐसा क्यों, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा क्यों, दोनों भी अलग अलग, दोनों अपने आप को कहना है, एक बिजनेस का टैक्स है एक तिजोरी टैक्स है। समझ में आया? एक तिजोरी, ये डबल टैक्सेशन नहीं है, दोनों का ऑब्जेक्ट अलग है। तो फिर दूसरा सवाल हमारे सामने आ जाता है, सर फिर जैसा इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर? आंसर इज नो। यहां ऐसा नहीं होता है ओके फाइनेंशियल ईयर एंड देन असेसमेंट ईयर, मतलब ये साल में कमाओ अगले साल टैक्स दो, अगले साल असेस करो अगले साल टैक्स दो। इमेजिन करो अगर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा किया, आप वी स्मार्ट में एडमिशन लेने आए और आप जब वी स्मार्ट में एडमिशन लेने आते हो, आपने कहा जीएसटी का कोर्स लगाना है, मैंने कहा ठीक है फीस 1,00,000 रुपए, एग्जाम्पल लेना तो लैक्स में क्यों नहीं लेना, हाँ तो एग्जाम्पल यहाँ 1,00,000 रुपए, तो आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं एडमिशन लेना है ओके, तो उस पर अब देखो 1,00,000 रुपए, फिर आपको बोला देखो ये करंट ईयर है अभी 1,00,000 देखो दे दो अगले साल आना असेस करेंगे, अरे हाँ असेस करेंगे और टैक्स अगले साल देना, तुम कहो चलेगा 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 ओके चलेगा, तुम बोलोगे चलेगा, ट्रांजेक्शन अभी हो रहा है अब आ रहे फुल अगले साल फुल टू मस्त पे की टैक्स बाद में देना, आपने कहा चलेगा 1,00,000 रुपए ले लिया और मैंने कहा कि अगले साल टैक्स का कलेक्ट करूंगा और गवर्नमेंट को दूंगा असेस करेंगे अगले साल,
नेक्स्ट ईयर आपको कॉल किया जा रहा है, हेलो वी स्मार्ट एकेडमी से बात कर रहे हैं, कौन, हेलो हेलो कौन कौन, अरे सर आपका जीएसटी, कौन कौन विशाल सर, किस बात का जीएसटी, कोई आने वाला नहीं है, गुड्स अभी बेचा जा रहा है, फ्रिज अभी बेची जा रही है, फैन अभी बेचा जा रहा है, प्रोजेक्टर अभी बेचा जा रहा है, और कस्टमर को हम बुला रहे आना अगले साल, मस्त बेकी, ये पॉसिबल नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स में, अभी के अभी, अभी ट्रांजेक्शन होगा, अभी असेसमेंट होगा, और अभी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। यहां कोई असेसमेंट ईयर और यहां प्रीवियस ईयर नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, मतलब क्या, मतलब अगर मैं वी स्मार्ट एकेडमी, लेकिन अब देखो एक एक कॉन्सेप्ट मैं यहीं समझा देता हूं तो आपको आसानी होगी आगे समझने के लिए। अब बात निकली है तो दूर तक लग जाएगी। वी स्मार्ट एकेडमी में इन द मंथ ऑफ, यहां पे समझ लो मार्च, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ने फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, ऑनलाइन फेस टू फेस एडमिशन ले रहे हैं। अब पहला ट्रांजेक्शन हुआ, एडमिशन लिया 10,000 रुपए, उसका जीएसटी आया 1,800 रुपए। दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ 5,000 रुपए, उसका जीएसटी आया कितना, 900 रुपए। ऐसे सब फीस आ रही है, ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब सर अगर मैं स्टूडेंट से टैक्स ले रहा हूं तो क्या इमीडिएट ये गवर्नमेंट को अभी के अभी पे करना पड़ता है? मतलब क्या, ओके एक स्टूडेंट आया जीएसटी दिया, रुक जा मैं जीएसटी पोर्टल पे जा रहा हूँ जीएसटी पे करने के बाद, फिर दूसरा आया रुक जा पेमेंट कर रहा हूँ, क्या हर ट्रांजेक्शन पे गवर्नमेंट को ऐसे पेमेंट करने पड़ना? आंसर इज नो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। यानी तो ऐसा हो जाएगा एडमिशंस की स्टूडेंट खड़े है और एक स्टूडेंट को 100 करने को मुझे 10 से 15 मिनट लग रहे, क्यों लिया, फिर मैं ऑनलाइन पोर्टल पे गया, फॉर्म भरा, चालान भरी, पेमेंट किया, फिर आप दूसरा आ जा, अब तीसरा आ जा, ये हर ट्रांजेक्शन पे कलेक्ट तो हो जाएगा पर गवर्नमेंट को हर ट्रांजेक्शन पे करना पॉसिबल नहीं। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि आपका कलेक्शन हो गया, हाँ, असेसमेंट हो गया, हाँ, इनवॉइस दे दिया, हाँ, ओके, अब जो आपने मंथ के इनवॉइस दिए हैं और कलेक्ट किए तो इसका टैक्स आप हर ट्रांजेक्शन पे न देते हुए पे करो मंथली बेसिस पे। आई रिपीट द वर्ड, क्या पे करो, क्या मंथली बेसिस पे, हम आपको मंथ का टाइम देते हैं। इसमें एक छोटा सा मेरा फाइनेंशियल गेन होता है, टैक्स गेन नहीं। फाइनेंशियल गेन कैसे होता है, तुम्हारे से जीएसटी मैंने ले लिया पर ये पैसा मैं एक महीना यूज कर सकता हूं, मुझे इमीडिएट अभी गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको एक मंथ का टाइम देती है। ये समझा कि नहीं? तो एक बार फिर से मुझे बताओ, असेसमेंट ईयर वाइज होता है या ट्रांजेक्शन वाइज? कस्टमर से कलेक्शन ईयर वाइज होता है या ट्रांजेक्शन वाइज? और गवर्नमेंट को पेमेंट मंथली बेसिस पे जाता है, समझ में? और गवर्नमेंट कहती है कि मार्च के मंथ का टैक्स आप अगले महीने के, ड्यू डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख। आई रिपीट द वर्ड, अगले महीने की क्या, 20 तारीख। तो अगले महीने की 20 तारीख तक, अरे यार, अगले महीने की 20 तारीख तक यानी ओके अप्रैल 20 अप्रैल को मार्च का पेमेंट करो, यानी 1 मार्च से लेके 31 मार्च 20 तारीख। सर 20 दिन क्यों दिए? 20 दिन तो लास्ट डेट है, अगर आपको देना है तो आप तो 1 अप्रैल को भी दे सकते हो, 2 अप्रैल को भी दे सकते हो, पर 20 दिन ये लास्ट डेट है। और इंडिया की आदत है लास्ट दिन ही मेन दिन होता है, जी समझ में आया क्या? आप एग्जामिनेशन फॉर्म देख लो ना आपका, जब तक लास्ट डेट नहीं आती तब तक तुम एक्टिव नहीं होते हो, ये समझा क्या? तो अब यहां पे, और सर ये 20 क्यों, चलो बात निकली तो बता देता हूं, वी स्मार्ट एकेडमी के यहां पे लगभग 60 सेंटर्स है, ओन ब्रांचेस है, बिजनेस चल रहा है, फेस टू फेस है, ऑनलाइन है, पीडी है, ओडी है, ये सारा डेटा कलेक्ट करने को, क्योंकि मंथ हो जाएगा, मंथ होने के बाद ये डेटा कलेक्ट करना, ब्रांच का डेटा कलेक्ट करना, कितना सप्लाई हुआ, कितना क्रेडिट है, क्या क्या परचेस हुई, क्या नहीं हुई, ये सारे चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है सब कैलकुलेशन करने को। उसके लिए गवर्नमेंट ने इनफ टाइम दिया है, कितना, 20 दिन, कि 20 दिन में हमें दो। हाँ, अगर ये आप 20 दिन तक नहीं देते हो और लेट कर देते हो 20 तक, तो फिर बाद में लगता है आपको पेनल्टी एंड इंटरेस्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। तो एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो
ट्रांजेक्शन बेस्ड टैक्स, इसमें करंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर नहीं आए। इसके टैक्स पेमेंट क्या होते हैं बेटा? मंथली बेसिस पे। तो चलिए अब ये डिस्कशन वापस इस पे आ जाता हूँ। तो डायरेक्ट टैक्स इज पेबल बाय पर्सन कंसर्न, ये तिजोरी टैक्स है, इट इज नॉट ट्रांसफरेबल टू एनी अदर पर्सन। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज पेबल बाय वन पर्सन एंड ट्रांसफरेबल टू अनदर पर्सन। डायरेक्ट टैक्स मोस्टली ऑन इनकम अर्निंग एक्टिविटी, आई रिपीट द वर्ड क्या? इनकम अर्निंग एक्टिविटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है इज अ बिजनेस टैक्स, इट इज ऑन कमोडिटी और सर्विसेज। लिखेंगे हम कमोडिटी और सर्विसेज। अब एक बात बता दो यहां पे डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से कम है। इनडायरेक्ट का कलेक्शन पूरे टोटल टैक्स रेवेन्यू में मोर देन 60% है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे बच्चा भी चॉकलेट खरीदने जाता है तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। अरे आए ना, यहां बेगर भी बिस्किट खरीदने जाता है तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स होता है। ये समझा क्या? तो जो भी कमोडिटी खरीद रहा है, जो भी सर्विसेज खरीद रहा है, वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स यहां पैसा देता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये टैक्स मोस्ट यानी सभी से कवर किया जाता है जो गुड्स और सर्विस खरीद रहा है। पर इनकम टैक्स ऐसा नहीं है। आई नेवर सीन बेगर हैविंग पैन पेइंग द टैक्स इनकम टैक्स। मुंबई के बेगर हो गए तो बात अलग है, पर बेगर का पैन है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो इनकम टैक्स दे रहा है, वो रिटर्न फाइल कर रहा है, ओके बैंक पे लोन केस डाल रहा है। आई नेवर सीन। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स आपके कुछ लेवल तक तो एग्जम्प्ट है। कितना एग्जम्प्शन है? 2,50,000। बाद में प्रोग्रेसिव नेचर में टैक्स है। तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन ज्यादा रहेगा और इनकम टैक्स का कलेक्शन कम रहेगा, क्योंकि ये तो बच्चे बच्चे से कलेक्ट होता है। आपको नहीं पता, आप यहां पे सारे स्टूडेंट जितने भी बैठे हैं, और कि सारे स्टूडेंट ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और आप हर रोज सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे ट्रांजेक्शन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। सुबह जा रहे हो, बिस्किट खरीद रहे हो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, चाय के साथ बिस्किट ले रहे हो, चाय अगर सीसीडी में लेते हो तो उस पर भी जीएसटी। ये तो बोलना, ये तो एग्जम्पशन में आ जाते हैं छोटे चाय वाले। समझ में आया क्या? ओके, उसके बाद में क्लास आ रहे हो जीएसटी, नाश्ता करने जाओगे जीएसटी, खाना खाने होटल में जाओगे जीएसटी। आप हर पल पल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ये समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू तो ज्यादा होगा ही। उसके बाद में गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट, क्या गवर्नमेंट की कॉस्ट ऑफ कलेक्शन किस में ज्यादा होगी? नहीं नहीं, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है किस में ज्यादा रहेगा? इनडायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स में? डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा होता है। यानी देखो, सी दिस आयरनी, डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा है और उसके हिसाब से रेवेन्यू जो मिल रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में खर्चा कम और ज्यादा रेवेन्यू। ये समझ में आया क्या? क्यों सर इनडायरेक्ट टैक्स में कम क्यों है? साइकोलॉजी टू अवॉइड द इनडायरेक्ट टैक्स इज मच लेसर देन डायरेक्ट टैक्स। मेरा स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, साइकोलॉजी टू अवॉइड इनडायरेक्ट टैक्स इज मच लेसर देन डायरेक्ट टैक्स। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स में? एक बात बता दूं क्या, पैसा जेब में आने के बाद निकालना बड़ा मुश्किल होता है। यहां से दो चीज निकालना बहुत मुश्किल है, एक पैसा और दूसरा आपको पता है। समझ में आया क्या? तो ये पैसा, क्योंकि जेब में आ गया पैसा, ओके, तो फिर लोग टैक्स नहीं देते इनकम टैक्स वगैरह, क्योंकि पैसा पहले आता है, नेक्स्ट ईयर में टैक्स देना पड़ता है, तो लोग टैक्स नहीं देते, फिर वो अवॉइड करते हैं, फिर होता है रेड, सर, सीजर, इन्वेस्टिगेशन। अरे आया ना, और इसके लिए गवर्नमेंट का बहुत स्टाफ लग जाता है यहां पर, इसलिए तो टीडीएस कंसेप्ट आया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पैसा जेब में आने ही मत दो, वहीं से ही काट लो। अरे समझ में आया क्या? पहले काट लो, क्योंकि जेब में आ गया कि तो वो देगा नहीं। एडवांस टैक्स आया, टीडीएस आया, आई होप यू अंडरस्टूड। पर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स में मैं रिलैक्स हूं, मैं क्यों बर्डन लू? मैं, मुझे तो आपसे लेके गवर्नमेंट को देना है, मैं क्यों अवॉइड करूं? क्योंकि कल जाके मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। समझ लो मैंने आपको जीएसटी नहीं लगाया, और मैंने कहा कोई जरूरत नहीं जीएसटी लगाने की, और इनवॉइस देने की, और कुछ नहीं है, ओके आप क्लास करके तो निकल जाओगे, कल पता चला तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। मेरी साइकोलॉजी क्या है? पे एंड पास ऑन।
हाँ, अवॉइडेंस इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में भी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कब अवॉइड किया जाता है? जब कोई नया नया ट्रेडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, कंपटीशन करना चाहता है तो अपनी प्राइस कम रखना चाहता है। तो अपनी प्राइस कम कैसे रखेगा? विद बिल विदाउट बिल? नहीं समझा। अपनी प्राइस कम कैसे रखेगा? विद बिल विदाउट बिल? कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहता है, आ जाओ विदाउट बिल भी है मेरे पास, सस्ते में है। विदाउट बिल मतलब कोई टैक्स नहीं, अवॉइडेंस उसमें भी है पर इतना ज्यादा नहीं। आई होप यू अंडरस्टूड। इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव इन नेचर है, तो इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब लोग थोड़ा इसको रिग्रेस करते हैं, थोड़ा अवॉइड करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि बेगर पे, बेगर ने बिस्किट खरीदा तो भी उतना ही टैक्स, और यहां पे मुकेश अंबानी ने या उसके बेटे ने भी बिस्किट खरीदा तो भी उतना ही टैक्स। समझ में आया क्या? तो वो इक्वल बर्डन के वजह से थोड़ा रिग्रेशन तैयार हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये था डिफरेंस। ओके, डायरेक्ट टैक्स क्यों आया, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों आया, ये डायग्राम में लिख लेना। यहां पे आपको लिखना है, ये नोटिंग्स कर लो डायग्राम में, आपको नोटिंग करनी होगी तो ये नोटिंग कर लो। ये गिफ्ट कॉस्ट है, आईडीटी में एग्जम्पशन है बेटा, आईडीटी में एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन क्यों होते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे आएगा उसके लिए, तो सेट ऑफ आईटीसी कंसेप्ट आया है, आगे आएगा। हाँ बेटा, ये रेगुलर बैच ही है, सीएमए स्टूडेंट भी कर सकते हैं। वाह क्या कमेंट है, डायरेक्ट टैक्स में दर्द होता है और इनडायरेक्ट टैक्स में मर्द को दर्द नहीं होता। ओके, सही यहाँ पे चलो, या इनडायरेक्ट टैक्स ये हमने देखा। एक एग्जांपल लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का, चलो आ जाओ यहाँ पे। मिस्टर ए सोल्ड द गुड्स टू मिस्टर बी फॉर रुपीज 1 लाख। सेल्स टैक्स इज, अभी 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 एक जीएसटी में नहीं जाते, एक नाम लेते हैं सेल्स टैक्स, टैक्स ऑन सेल। सेल्स टैक्स इज पेबल ऑन सच गुड्स 10%, डिटरमाइन द टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर ए टू मिस्टर क्या बी। तो लिखो डिटरमिनेशन ऑफ टोटल प्राइस, यहां पे लिखना डिटरमिनेशन ऑफ टोटल प्राइस, यहां लिखो वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी वैल्यू बेटा? 1 लाख रुपीज 1 लाख, और उसके ऊपर सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, कितना हुआ? 10,000 रुपीज 10,000, टोटल कितना हुआ? 1,10,000। तो ये हुआ टोटल प्राइस, ये हुआ टोटल प्राइस। इसकी जर्नल एंट्री पता है ना आपको? हाँ या ना, ये भी टोटल प्राइस। सर ये एग्जांपल तो सिंपल है, क्यों लिया? कुछ तो इसके पीछे है, कुछ तो है दया जो इसके पीछे रीजन है। ओके, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। टैक्स ऑन मल्टीपल स्टेज, हाँ ये कॉन्सेप्ट का देखो। मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर के पास डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर के होलसेलर, होलसेलर रिटेलर और अल्टीमेट कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है और लिखो यहाँ पे सेल प्राइस 1000, सॉरी यहाँ 10,000 ले लेते हैं, सेल प्राइस 10,000, और सेल पे टैक्स लग रहा है सेल टैक्स, और सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है और 10% यानी कितना लग रहा है? 11,000। तो मुझे बताओ मैन्युफैक्चरर ने अगर 11,000 में माल बेचा तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए परचेस कॉस्ट कितनी हुई? 11,000 हुई, यस और नो?
तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए परचेस कॉस्ट हुई 11,000। ओके, इसका वैल्यू एडिशन लिखो यहाँ पे, वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन इसका 5,000 रुपये। कितना लिया बेटा मैंने? 5,000। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या? मतलब उसके खर्चे प्लस उसका प्रॉफिट। वैल्यू एडिशन मतलब उसके एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, समझ में आया? वैल्यू एडिशन। तो बताओ आगे जब डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 16,000 में। तो 16,000 में बेचेगा तो सेल प्राइस कितनी हुई? 16,000। और इसके ऊपर वापस सेल हुआ इसलिए सेल्स टैक्स लगेगा। सेल्स टैक्स एट द रेट क्या? 10%। सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, तो कितना आएगा? 1600 रुपये। टोटल 17,600। 17,600 इसके लिए परचेस प्राइस है, आया ना? ये इसके लिए परचेस है, आपको लिखना होगा। तो ये परचेस प्राइस है, ओके। और वो सेल कर रहा है, ये इसके लिए परचेस प्राइस है, परचेस प्राइस है। अब इसका वैल्यू एडिशन, तो लिख दो इसका वैल्यू एडिशन यहाँ पे 7,000 रुपये है। इसका वैल्यू एडिशन कितना? 7,000 लिख देना। इसका वैल्यू एडिशन अगर 7,000 है तो बताओ आगे वो कितने में सेल करेगा? रिटेलर को कितने में सेल करेगा? सेल प्राइस 17,600 प्लस 7,000, ये 7,000 है बेटा, तो कितना आ रहा है? 24,600। फिर से सेल हुआ तो क्या लगेगा? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स एट द रेट क्या? 10%। कितना हुआ? 2,460। टोटल कितनी आई? 27,060। क्या ये इसके लिए परचेस है, हाँ या ना? और इसका वैल्यू एडिशन जो है वो 10,000। रिटेलर का वैल्यू एडिशन जो है वो क्या? 10,000 है। तो कस्टमर को कितने में बेचेगा? हाँ, तो सेल प्राइस यहाँ पे आई, लास्ट कस्टमर को सेल प्राइस आई 37,060, और उसके ऊपर वापस सेल्स टैक्स लगेगा। सेल्स टैक्स एट द रेट क्या? 10%। 3,706 टोटल कर लेना, 40,766। यहाँ पे कस्टमर को इतने में आ रहे हैं। मतलब कोई गुड्स अगर मैं मोबाइल है, समझ लो मोबाइल मैं फैक्ट्री से 10,000 में निकला है, कस्टमर को 40,000 में आ रहा है, सबका वैल्यू एडिशन टैक्स लगा के। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ गए होंगे ये एग्जांपल देख के। स्टेप बाय स्टेप लूगा, क्वेश्चंस आने के लिए एग्जांपल लिया बॉस, ये समझ में आया क्या? हाँ, कि क्वेश्चंस आने चाहिए और वो आने के लिए ही एग्जांपल लिया गया ना। अब अगर आप ये देखते हो, पहला क्वेश्चन होगा कि सर ये सेल्स टैक्स बार बार क्यों लगाया जा रहा है? एक बार लगा दिया हो गया। यहाँ समझ लो मोबाइल है, मोबाइल से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास गया, होलसेलर से रिटेलर के पास गया और आपके पास आया, निकला तब से मोबाइल ही है, अरे है ना? तो ऐसे केस में बार बार क्यों लगाया? देखो बेटा, टैक्स जो होता है ये बहुत ही बेसिक है पर बहुत ज़रूरी है। मेरे पहले 3 लेक्चर आपके सारे बेसिक को क्लियर कर लेते हैं। टैक्स जो है वो ह्यूमन पे नहीं होता है, इवेंट्स पे होता है। शायद किसी को समझा ही नहीं, एक बार फिर से ध्यान दे बेटा। अगर ध्यान नहीं है तो दो मिनट कंट्रोल कर, बाकी मैं संभालता हूं। टैक्स ह्यूमन पे होता है, सॉरी टैक्स इवेंट्स पे होता है, ह्यूमन पे नहीं। जो ह्यूमन उस इवेंट को टच करता है उसको करंट लगता है। नहीं समझा? एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स इनकम अर्न पे है, एंड इनकम अर्न अंडर 5 हेड्स, और जो बंदे ने वो 5 हेड्स वाले इनकम अर्न के एक्टिविटी को टच किया करंट लगा। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, अरे है ना? कोई छोटा बच्चा है खेल रहा है, उस पर कभी टैक्स देखा है? नहीं, क्योंकि वो इवेंट्स को टच नहीं कर रहा है। कोई ओल्ड एज है, खत्म हो गया, बैठ रहा है अपना एवरेस्ट पे बैठा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, क्या वो टैक्स देगा? नहीं। ह्यूमन पे टैक्स नहीं है, इवेंट्स पे है। और जो डिफाइंड इवेंट है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जिसने भी टच किया उसको टैक्स का करंट लगा।
ये समझ में आया? इसलिए एक पर्सन कितने सारे टैक्सेस देता है देखो। ओके, एग्जांपल के तौर पे ये समझ लो, इंडिया, उसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया तो उसने इंपोर्ट इवेंट को टच किया, क्या लगा? कस्टम ड्यूटी। अरे है ना, बंदा एक ही है पर एक इवेंट को टच कर दिया उसने, इंपोर्ट, कस्टम ड्यूटी। ये रॉ मटेरियल से फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल से फैक्ट्री में फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया 2017 के पहले। अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो क्या लगता था? एक्साइज। अरे है ना, 2017 के पहले, आज तो क्या लगता है? जीएसटी। पर 2017 के पहले एक्साइज, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग इवेंट को टच किया, फिर मैन्युफैक्चर करके सेल किया, सेल किया तो वैट। अरे है ना, सेल से इनकम जनरेट की, इनकम टैक्स। ये समझ में आया क्या? फिर आफ्टर सेल सर्विस दी, सर्विस टैक्स। मतलब पर्सन एक, टैक्सेस अनेक। ये समझ में, क्योंकि जो जो इवेंट को टच कर रहा है करंट लग रहा है। ये समझ में आया? तो यहां पे सेल्स टैक्स बार बार क्यों लगाया गया? क्योंकि सेल्स टैक्स सेल पे था, जिसने जिसने सेल को टच किया उसको सेल्स टैक्स का करंट लगा। ये मल्टीपल स्टेज टैक्स समझ में आया क्या आपको? जीएसटी भी ऐसा ही है, मल्टीपल स्टेज पे, जिसने जिसने सप्लाई को टच किया उस पर जीएसटी लगा। ये समझ में आया क्या? तो यहां पे मैन्युफैक्चरर ने सेल किया, सेल टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटर ने सेल किया, सेल्स टैक्स। तो अभी ये सवाल मत पूछना मुझे कि सर ये मल्टीपल टैक्स क्यों लगे, वो इवेंट पे है और जो जो भी वो इवेंट को टच करेगा उस पर टैक्स है। आई होप यू अंडरस्टूड। Now, अब आपकी ये एग्जाम्पल में आपको एक बात समझ में आ रही हुई, और क्या सर आपको नहीं लगता यहां बहुत डबल टैक्सेशन हो रहा है? कैसे डबल टैक्सेशन हो रहा है? हाँ, कैसे डबल टैक्सेशन हो रहा है? अगर आप देखोगे, देखो कैसे डबल टैक्सेशन हो रहा है। ओके, आपने इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वर्ड सुना है कभी? यहां भी टैक्स में टैक्स कैसे? मुझे बताओ, इसकी जो प्राइस है 16,000 रुपए, क्या 16,000 में वो 1,000 इंक्लूडेड है? हाँ, या ना? तो वो 1,000 इंक्लूडेड है और उस पर वापस सेल्स टैक्स लगाया क्योंकि सेल्स इवेंट को टच हुआ, तो क्या ये टैक्स ऑन टैक्स हो गया? हाँ, या ना? इसको हम कहते हैं, लर्न कर लेना सभी ने, कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या बोला मैंने? कंपाउंडिंग नहीं, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। आगे तो देखो, जब ये प्राइस थी 26,400 तो इसमें 1,000 भी इंक्लूडेड है, 1,600 भी इंक्लूडेड है, और रिटेल में जाओगे तो ये प्लस ये प्लस ये और उस पर टैक्स। इसको कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ एक और लॉजिक बता दो, एक और, इससे किस बात का जन्म होगा वो आगे बताओगा, पर हाँ ये डिस्कशन से कुछ जन्म होने वाला है, किसी को क्लिक हो गया होगा ये कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से क्या जन्म होने वाला है। हाँ हाँ, सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे आएगा। ये समझा है? नहीं समझा? हाँ, तो अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, चलो टैक्स ऑन टैक्स तो लग रहा है। दूसरी बात, इंडस्ट्री का क्या कहना था? इंडस्ट्री का ये कहना था कि आप जो है, आपने 10,000 रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया 1,000 रुपए, अब ये 10,000 रुपए 16,000 में भी है, तो 16,000 रुपए जब टैक्स लग रहा है तो ये 10,000 रुपए डबल लग रहा है, प्लस इसके टैक्स पे भी लग रहा है। समझा? सबको समझा क्या? वो कॉर्नर से वो कॉर्नर तक ऑनलाइन बताओ, समझा नहीं समझा? ओके भाई, वो 10,000 रुपए आपने पहले 10 पे ले लिया ना, अब वही 10 16,000 में है, वो 10 पे भी दोबारा ले रहे हो प्लस टैक्स पे टैक्स भी ले रहे हो, ये गलत है भाई। टैक्स मैंने जितना वैल्यू एडिशन किया उस पर ही लगाओ। मैंने कितना किया? 5,000, तो 5,000 भी लगाना भाई। समझ में आया क्या? तुम उस पर ले रहे हो, अब इमेजिन करो आगे की प्राइस, आगे प्राइस पे पहला 10,000 जिसके ऊपर यहां पे भी लगा, वही 10,000 रुपए यहां पे भी लगा और वही 10,000 रुपए यहां पे भी लगा, एक 10,000 रुपए चार चार बार टैक्स ले रहे हो, टैक्स ऑन टैक्स ले रहे हो। समझ में आया क्या? टैक्स ऑन टैक्स ले रहे हो। आई होप यू अंडरस्टूड। और वो तो इसका वैल्यू एडिशन और आगे कैस्केडिंग इफेक्ट करता है,
ये गलत है भाई। मैंने 5,000 वैल्यू एडिशन किया, मेरे 5,000 पे लो, इसने 7,000 किया, 7,000 मैंने कितनी बढ़ाया वैल्यू, 7,000। तो जितना मैंने वैल्यू एडिशन किया उसका टैक्स यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। समझाया नहीं समझा? वैट का जन्म कहां से हुआ? वैल्यू एडेड टैक्स। आई होप ये सबको समझ में आ रहा हो। इसने जितना वैल्यू एडिशन किया उस पे लो। आप इतना डबल क्यों लेते हो, लूट क्यों रहे हो यार? और डबल तो ले रहे हो प्लस टैक्स ऑन टैक्स। ये इंडिया में 2004 तक हुआ। 2004 के बाद वैट आया और वैट के बाद जीएसटी आया। आई होप यू अंडरस्टूड। सर वैट के बाद जीएसटी क्या हुआ? रुको देखो आगे होता है क्या। 2004 तक हमने डबल टैक्सेशन लिए। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके ये था एग्जांपल। ये एग्जांपल में जस्ट मैंने इसलिए नाम जीएसटी नहीं लिया, क्योंकि जीएसटी लेता तो क्रेडिट देना पड़ता। जीएसटी आया कैसे? उसका जन्म यहां से। समझ में आया क्या? जस्ट सेल्स टैक्स ले रहा हूं। चलो बेटा लास्ट कुछ डिस्कशन और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये P1 दिखा सबको। अब हमारे नोटबुक में, अच्छा मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको दो नोटबुक साथ में यूज करना है, एक रफ जो मैं लिखता हूं और एक स्पेशली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो ऐसे दो करना है तो दो यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप रफ प्रैक्टिस क्वेश्चन एक में भी कर सकते हो, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, आपको जैसा करना है वैसा। तो अभी ये जो P1 है, ओके ये P1 जो है इसमें एक एग्जाम्पल लेके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस बताता हूं। मिस्टर ए अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टूथपेस्ट, ही हैज डन ओनली सिंगल सेल, इन एक ही सेल की उसने 20,00,000 की। ही हैज इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस टू रन द बिजनेस इन अ फाइनेंशियल ईयर। सैलरी दिया 2,00,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए, प्रिंटिंग स्टेशनरी दिया, अदर एक्सपेंसेस एंड बैंक चार्जेस। मिस्टर इज ऑल्सो लाइबल टू पे टैक्स ऑन सेल। सेल पे कितना टैक्स है उसका? 10% है इनडायरेक्ट टैक्स। कैलकुलेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मुझे बताओ डायरेक्ट टैक्स टोटल प्राइस पे आता है या नेट इनकम पे आता है? और इनडायरेक्ट टैक्स, ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। इनकम टैक्स नेट इनकम पे आता है, तो ये टोटल प्राइस पे आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इज इट क्लियर? ओके तो चलो आंसर में लिखो। आंसर में P1 लिखो। अब आपने क्या करना है, मैं तो कहूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए सेपरेट नोटबुक बनाओ, और रफ के लिए 100 पेजेस का भी चलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए 200 पेजेस का। दूसरा, यहां पे जो भी आप P1 है तो ये P1 रजिस्टर में रेफरेंस नंबर दे दो, मतलब सब पेज नंबर दे दो, और यहां पे लिख देना पेज नंबर जो भी आप रजिस्टर्ड का है, ठीक है, और वहां पे P1। वहां जब P1 लिखोगे तो अपने नोटबुक का पेज नंबर दे दो, सॉरी अपने क्लास नोट्स का पेज नंबर दे दो, क्रॉस करो तो आपको बाद में इजी होगा आइडेंटिफाई करना। ठीक है, P1 और हमारा पेज नंबर दे दो। पेज नंबर क्या है हमारे बुक का? 4। तो यहां पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐसे दो कॉलम करो, पहला कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। दो कॉलम करो, पहला कॉलम्स कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मुझे बताओ डायरेक्ट टैक्स किस पे, टोटल पे लगेगा या नेट इनकम पे लगेगा? तो लिखो टोटल सेल प्राइस कितनी है? टोटल सेल प्राइस 20,00,000। लेस एक्सपेंसेस ब्रैकेट में 2,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 1,00,000 कितना होता है? 9,00,000।
less expenses 9 lakhs. Less expenses 9 lakhs. तो कितने बचे आपके? 11 lakhs. अगर आपका इनकम टैक्स होगा होगा तो स्लैब लगा के 11 lakhs का टैक्स निकालो, स्लैब लगा के. मुझे बताओ कितना आता है आपका इनकम टैक्स स्लैब लगा के? अगर आपका इनकम टैक्स नहीं आता हुआ होगा तो ये लिख लो सिर्फ. हाँ तो पूरी अमाउंट बताओ, पूरी अमाउंट 1,42,500. क्या इतना आया सभी का आपका? यस और नो? प्लस सेस, प्लस सेस लगेगा, एजुकेशन सेस ना. नहीं नहीं, सेस कितना है तो अमाउंट कितना आता है? सेस का अमाउंट 5770. तो टोटल टैक्स इतना आएगा 5700. तो ये आपका इतना टैक्स आएगा. और अगर किसी का इनकम टैक्स नहीं हुआ बेटा तो ऐसे केस में ये लिख लो, आपको इनकम टैक्स में समझ जाएगा कि कैसे स्लैब आपको कैलकुलेट करना है. ये आपका इनकम टैक्स हुआ. अब ये इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है. सेकंड इसमें लिखो कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स. लिखो सेल प्राइस, सेल प्राइस कितने? सेल प्राइस 20 लैक्स. आज जबान लैक्स में जा ही नहीं रही है, थाउजेंड में जा रही है. ठीक है तो 20 लैक्स. अच्छा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स निकालोगे तो एक्सपेंसेस के डिडक्शन मिलेंगे. सेल्स टैक्स ऑन टोटल सेल प्राइस, जीएसटी इज ऑन टोटल सेल प्राइस. तो क्या मैं 20 लाख पे डायरेक्ट सेल्स टैक्स लगा दूं? हाँ या ना? तो नीचे लिखो सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स एट द रेट 10%. कितना आ रहा है? 2 लाख. बात खत्म, हो गया कैलकुलेशन. इसलिए आईडीटी में कैलकुलेशन बहुत ईजी है, इंपॉर्टेंट है आपके रिमार्क्स. ये समझा है नहीं समझा? हो गया डन. असेस, टैक्स असेस, दैट्स ऑल. ये समझा नहीं समझा? तो ये था डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो यहाँ आज का सेशन रोकते हैं, कल आते ही हम डिफरेंस लिखेंगे और आगे का डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. टुमारो सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सभी बंधनों को तोड़ के आपको आना है. यस और नो? तो चेक योर बिलोंगिंग्स. बाय बोलो बच्चों, कल मिलते हैं. तो कल के सेशन में मिलते हैं. पर आज सबको समझ में आया बेसिक? यही स्पीड होगी हमारी, इसी तरह से कवर किया जाएगा. और मैं इवन दो मैंने आपको कहा है कि आपको 3-4 दिन थोड़ा टफ लग सकता है, पर अगर आज आपको टफ नहीं लगा तो इसी तरह से रहेगा. डन? तो मिलते हैं कल. नाउ कल का लेक्चर हमारा ऐप में भी होगा जो लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं. तो आप, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐप में देखें, क्योंकि अगर ऐप में कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो सिचुएशन में आप हमारे आईटी टीम को कॉल करके सॉल्व कर सकते हो. प्लस मेरे पहले 7 लेक्चर यूट्यूब पे डेमो भी रहेंगे और ऐप में भी चलेंगे, दोनों जगह चलेंगे. पर प्रिफ्रेंस आपको ऐप को देना है. दूसरा, आपको वीस्मार्ट एकेडमी पर लॉगिन क्रिएट करना है. ओके, फेस टू फेस में जिसको जाना है जाना दो, मुझे थोड़ी इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन बच्चों को देनी है, तो जिसको जाना है वो जा सकते हैं. ठीक है, सिर्फ कैमरे के सामने से मत जाना. तो यहाँ पे आप वीस्मार्ट एकेडमी पे आपको अगर लॉगिन नहीं होगा क्योंकि आपने अदर कोई पोर्टल से बाय किया होगा, तो आपको लॉगिन कैसे क्रिएट करना है वो बता देता हूँ. आपको जाना है हमारे वीस्मार्ट एकेडमी की वेबसाइट पे. जैसे ही आप हमारे वीस्मार्ट एकेडमी की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा. ये लॉगिन को आपको क्लिक करना है. अगर आपने कोर्स बाय किया होगा वीस्मार्ट एकेडमी के वेबसाइट से तो आपका लॉगिन ऑलरेडी क्रिएटेड होगा. अगर आपने कोर्स वीस्मार्ट एकेडमी के लॉगिन से बाय नहीं किया होगा, हमारे अदर चैनल पार्टनर्स या अदर कोर्ट से बाय किया होगा, तो वो केस में आपको अपना रजिस्टर्ड आईडी, बेटा बेटा कैमरे के सामने से, आपको अपना रजिस्टर्ड आईडी डालना है. और ये रजिस्टर्ड आईडी डाल के रिसेट हियर करना है. जैसे आप रजिस्टर्ड आईडी डाल के रिसेट हियर करोगे, आपका लॉगिन वीस्मार्ट एकेडमी के वेबसाइट पे क्रिएट हो जाएगा. ये लॉगिन में जैसे ही आप जाते हो, तो लॉगिन में जाने के बाद, क्रिएट होने के बाद,
आपको अपना कोर्स यहाँ पे दिखेगा, आपने जो बाय किया है वो आपके ऑर्डर में आपको दिखेगा। जस्ट अ मिनट, अब ये जैसे ही आप अपने लॉगिन में आते हो तो आपको कोर्स एक्टिवेशन वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ दिखेगी, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैंने दिया है। और कोर्स कंटेंट में जब आप कोर्स कंटेंट को क्लिक करोगे तो कोर्स मटेरियल में आपको जो है पहले दो चैप्टर की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। ये पहले दो चैप्टर की पीडीएफ रेगुलर बुक की, क्वेश्चनेयर की आपको नहीं निकालना है, रेगुलर बुक की जो पहले दो चैप्टर की प्रिंट आउट आपको ले लेना है, तब तक आपको फिजिकल बुक मिल जाएगी। आई रिपीट, तब तक फिजिकल बुक आपको मिल जाएगी। और आपको कोर्स भी एक्टिवेट कर लेना है, लॉगिन में कोर्स एक्टिवेशन का डिटेल दिया है। आपको की सेपरेट लिंक नहीं आएगी, आपके लॉगिन में आपको की जनरेट करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऐड किया हुआ है, वो वीडियो आपने अच्छे से देख लेना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोशिश करना कि आपको जो भी इंस्टॉलेशन के प्रॉब्लम हो तो वो आप ऐप में देखो, अगर ऐप में नहीं चल रहा होगा तो मेरा जो YouTube पे डेमो वीडियो है, आखिरी के 10 मिनट में अपना ऑर्डर आईडी आपको डालना है और वो ऑर्डर आईडी और आपका प्रिफरेबल टाइम बताना है कि आपको कौन से टाइम में हमारे टीम से कॉल चाहिए। वो टाइम में हमारी टीम आपको कॉल कर देगी और आपके जो भी इश्यूज है वो सभी सॉल्व कर देगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। येस और नो, जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, बाकी जो भी आपके इश्यूज हो गए, हर लेक्चर के आखिरी में 5 से 10 मिनट आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऑर्डर आईडी डाल सकते हो, टेक्निकल इश्यू और अदर इश्यूज उस तरह से सॉल्व किए जाए। आज भी मेरी टीम कनेक्टेड है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो वो केस में आप जो है अपना ऑर्डर आईडी डालें। पर आपको नोट्स जो है वो 25 तारीख के बाद ही अवेलेबल होगी, मैं पहले बता देता हूँ, इसलिए 25 तारीख के बाद अगर आपको नोट्स नहीं आ पा रही है तो आप इंक्वायरी कर सकते हो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आप अपना ऑर्डर आईडी डाल दो बेटा, जिसको भी अभी दिक्कत है मेरी टीम कनेक्टेड है, अपना ऑर्डर आईडी और प्रिफरेबल टाइम, अपना ऑर्डर आईडी और प्रिफरेबल टाइम डाल दो। रफ वर्क में बेटा जो मैं यहां चार्ट डायग्राम निकालता हूं, आप भी साथ साथ में निकालोगे आपको हेल्प होगा, पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो हम यहां पे सॉल्व करेंगे। आप अपना ऑर्डर आईडी डाल दो। ओके बाय बेटा। एमसीक्यू अपडेशन में है, एमसीक्यू अपडेट हो गया, आपके लॉगिन में मिलेगा एमसीक्यू आपको, अभी अपडेशन पे है। ये कमिंग संडे नहीं रहेगा, उसके बाद में रहेगा, ये थर्ड को छुट्टी है, ये कमिंग संडे यानी नहीं, कमिंग संडे यानी परसों छुट्टी है, बाकी संडे को रहेगा। फिजिकल बुक बोल दिया ना बेटा, बार बार क्या क्वेश्चन करते हो, आपको 5-6 दिन में मिल जाएगी जो फिजिकल बुक है। यस बेटा, आप रेगुलर बैच कर सकते हो June 23 के लिए। नहीं नहीं, एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। गुड मॉर्निंग। सॉफ्ट कॉपी चाहिए आपको? नहीं, हार्ड कॉपी चाहिए था, टू कलेक्ट द बुक्स। नीचे ऑफिस में आ जाओ, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है, किशोर सर ने बोला। हाँ सर, मेरी November 23 का अटेंड, इससे मैंने क्लास ली थी, लेकिन मेरा अटेंड आगे चला गया और मेरे अभी ITOT की क्लास चल रही है, इसलिए मैं जीएसटी का नहीं कर सकता फेस टू फेस। कंप्यूटर में डेस्कटॉप में क्लास नहीं, एक मिनट, डेस्कटॉप पे क्लास नहीं चलती है बेटा। जो भी आपकी दिक्कत है, आप सिंपली अपना ऑर्डर आईडी और प्रिफरेबल टाइम फॉर कॉल डाल दो बेटा, मुझे प्रॉब्लम मत बताओ, सिर्फ आप ऑर्डर आईडी। और अपना प्रिफरेबल टाइम डाल दो। चलिए, तो यहाँ मैं ये सेशन को रोकता हूँ, मैं स्ट्रीम एंड कर रहा हूँ।
थैंक यू सुमित, थैंक यू बेटा। कल हॉलीडे नहीं है, संडे को रहेगा, बस एक ही संडे को, कमिंग संडे को, वो भी आप